For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. तुमको देके भगवान को खिलाएं। जाओ अंदर मिठाई समझ के कागज खा ले, चलो जाओ। अरे काहे गर्जत हो हमारे पुतन पर, पैदा कर कर के पटक दिए और अब बिचारन को तरसावत हो दाने दाने के लिए। हाँ। तो क्या करें, अपने आप को खिला दें। ये देखो इतना सा है, परसों मिठाई की दुकान में गया आधी दुकान खा गया। बोल नहीं नहीं नहीं। अरे झूठ बोलता, जूते समेत आंख में घुस रहा है। बहन बहन कहते शर्म नहीं आती हमको? अरे हम नहीं बोला थे, वो बोला थे। ये फिर आ गए अंगार लगाने के लिए। लो मुंह मीठा कर लो। लालो हमको दो, अरे हम खाएंगे। अरे भैया भैया आजा, मिठाई खाएंगे, मिठाई। मीठे के चींटे हैं। वैसे बहन जी ये मिठाई किस खुशी में? मुन्ना के पिताजी टीवी ले आए ना, उसी के लिए। देखा कैसे आग लगा रही, इसका कुछ करो। हट। वैसे तो घर में सब कुछ है, फोन, फ्रिज, मिक्सर, एक टीवी की कमी थी वो भी आ गया। रंगीन टीवी? हाँ रंगीन। अच्छा मैं चलूं? हाँ अच्छा। तुमका तो बस एक ही काम आवत है, घंटी बजाना। अरे हम पूछत हैं कि जब सबके घरों में धड़ाधड़ टिप टॉप हुई गवा, तो हमार घर में सुकेशन काहे बाजत हैं? इसलिए कि हम बहुत ईमानदार आदमी हैं,
मेहनत मुशक्कत की रोटी में बहुत खुश हैं। तुम्हारी खुशी गई भाड़ में, तुम्हारा क्या? दिन भर यहाँ वहाँ मुँह मार लेते हो, सूखी रोटी तो हम सबके गले में उतारे के पड़त है। लेकिन आज ही देवी मैया की फोटो के आगे हम कह देते हैं हाँ, कि साल भर के अंदर हमार घर भी टिप टॉप नहीं हुई गवा, तो हमार लटकन के साथ हम दरिया में कूद के प्राण दे दिए। हाँ, काहे को शरीफ आदमी को पाप का रास्ता बताती हो? हम कसम से कहते हैं ये जो बंदी बंदाई पगार है ना, इसमें ये ठाट बाट नहीं आ सकता है, और हमसे होगा भी नहीं ये सब काम। काहे नहीं होगा, तुम मर्द नहीं हो का? शर्म नहीं होती है? मर्द नहीं हो, मेरा लोग कैसी बात करती है? अरे मर्द नहीं होते तो बच्चे हवा से टपके हैं का? नालायक भाई जी, आज सूट नहीं लोगे क्या? सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया, ला सूट ला। सुनो एक बात पूछें। का? ये रोज रोज सूट लेकर दफ्तर जाते हो, फिर लौटा के जाते हो, अरे घर से सज सजा कर बनठन के काहे नहीं निकलते? अगर हम ये सूट पहन के घर से निकलेंगे ना, तो मेरी जुड़वा हमको उबलती हुई कढ़ाई में डाल देगी। वो समझती है कि दुनिया में जितनी भी खूबसूरत नारियां, वो सब हम पे मरती हैं। बिल्कुल भाभी जी ठीक कहती हैं। हाँ, अगर हम लुगाई होते तो हम भी आप मर मिटते। बताओ, मछलियां फंसती नहीं, मेंढक गले पड़ रहे हैं, मोटा भैंसा कहीं का। सर, सर, सॉरी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं इधर न्यू अपॉइंटमेंट। अच्छा, ड्यूटी ज्वाइन करना सर। अच्छा, अंदर जाओ। थैंक यू, मे आई कम इन सर? नहीं नहीं, डोंट कम प्लीज सर। आप पहले अंदर बोलने का, तभी मैं जाने का। क्या हुआ, आप इतनी घबराई हो क्या? वो ठीक है, आप इधर बैठिए, मैं देखता हूँ। माखनलाल जी, तू इधर आ बे। तू रोज रोज माखनलाल जी माखनलाल जी क्या बोलता है? मैनेजर साहब बोलते, तेरे मुंह में दर्द होता है क्या? अच्छा अच्छा मैनेजर साहब। अच्छा मैनेजर साहब क्या है? सर वो नई ऑपरेटर ज्वाइन करने के लिए आई है, उसको 5 मिनट के बाद भेजना, पहले मैं हालत ठीक कर लूं। अच्छा, तू खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है? तेरे सामने हालत ठीक कर लूं, चल बाजा। कहां से भर्ती कर लिया गधे के औलाद को यार, उल्लू का पट्टा। अबे तुम जवान हो, जान छोटी उस धोती से। मे आई कम इन सर? कम इन। थैंक यू सर। सर बैठो ना। सर, सर ये मेरा बायोडाटा सर। सर ये मेरा बायोडाटा सर। क्या हुआ सर? नहीं वो मैं तो थोड़ा सा मैं करंट में। मेरी जोन्स, नहीं मेरी जोन्स नाम है तुम्हारा, है ना? यस सर। सुना? यस सर। कनेक्शन जोड़ना आता है? व्हाट सर? कनेक्शन। ए लुच्चा, ए बेशरम, छोकड़िया पे हाथ फिराता है? अपनी जिंदगी के आटे में थोड़ा सा प्रेम का नमक मिला तो तेरे बाप का कहा जाता है? मेरे से कुछ बोला सर? नहीं नहीं, मेरी मेरी एक घुमाई की मारेंगी तो बदतसी और बदतसी के जबड़ा है ना, दोनों टूट के बाहर गिर जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। नहीं वो एक घाचो, मजा आवा कि नहीं? थोड़ी देर में रवि बाबू की नकल करें तो तेरे बाप का क्या जाता? बाप ही को तो जाता है। डैडी तोरा मना किया था ना सब नहीं करना, बेशरम मर्दानगी दिखाना तो तेरी अंगूरी को दिखाना। अरे तेरी अंगूरी कैसी की तैसी, साला धंस देता है, चल पड़े रे। अरे तेरे की आज तुम हमको डांट दिया। अरे तुम कहाँ चले गई? है ना? यस सर। बैठो ना, डरना नहीं, तुम ऐसे चले गई तो अच्छा नहीं लगा। अच्छा बेटा, अब तुम लगे रहो, हम अंगूरी को बुलाई खिलाते हैं। ये टेलीफोन ऑपरेटर का काम बहुत आसान है, जैसे ही फोन की घंटी बजे ना तो ये रिसीवर को प्रेम से उठाना, कान से लगाना और कहना बापो जरा तो शर्म करो। अरे हमरे होत पराई नार के संग ने मटक्का करे तो हड्डी देना ही फुट दोगे। सर इधर घोस्ट है क्या सर? नहीं वो भूत नहीं है, वो छोटा सा ट्रांजिस्टर है, हवा मेल पकड़ रहा था, अभी नहीं बोलेगा, बंद हो गया ये। चुप। क्या पियोगे, ठंडा गरम? सर मैं साउथ इंडियन सर। मैं नॉर्थ इंडियन सर। मैं कॉफी पीती सर। कॉफी गरम गरम? अभी मंगाता हूँ। सुनो, दो कॉफी लाना गरम गरम। व्हाट, आपने कुछ कहा? नो सर। सही वक्त पर आएगा वह, तेरा खेल खत्म। मैंने तो कुछ नहीं कहा। माखनलाल जी, आपको मेरे नाम कैसे पता चला? सर वो फाइल पर लिखा है ना। माखनलाल जी, आपकी आवाज मेरे बॉस से मिलती जुलती है। व्हाट सर? माखनलाल जी।
अरे मैं सॉरी सर। ये सब क्या हो रहा है? नहीं सर वो मैं है ना ये हमारे टेलीफोन ऑपरेटर ही हमारे बॉस हैं। नहीं वो सर ये है ना ये मेरी है। नहीं ये तेरी है। कौन है यार तू? नो सर मेरी जोन्स। इसका नाम मेरी जोन्स है। हेलो मेरी जोन्स। हेलो हेलो ओ बाहर जाओ हम लोग काम है। ये सर बोलिए। ये सब क्या है? नौकरी कर रहा हूँ। अप उठो। यू आउट शी इन। ओ मैं बाहर जाऊँ उसको अंदर भेजू। मैं माफ करना मैं सब गड़बड़ हो रही है। इस काम करो तुम बाहर जाओ मैं अंदर जाता हूँ। नहीं तुम अंदर जाओ यार। सुनो 5 मिनट बाद मेरे मिलना है। थैंक यू सर। सर ये सब क्या सर? ऐसे क्या देखता सर? मेरी ये ऑफिस में गॉगल्स। ओ सर मेरा थोड़ा आँख का प्रॉब्लम है सर। वेरी गुड सर मैं ये लगा लूँ? नहीं नहीं रहने दो। सॉरी सर मैं सोचता था तुम्हें पहले कहीं देखा है। वैसे याद आया ये वही चेहरा है जो 3 रातों से मेरे ख्वाबों में आ रहा है। ख्वाब? ये ख्वाब क्या होते सर? ख्वाब एक किस्म की बीमारी होती है। माखन जी नहीं मैं ख्वाब का मतलब बता रहा था इनको मालूम नहीं है। प्लीज माखन जी कोई और काम नहीं है क्या? वो क्या है ना कि सर बैठो बैठो। थैंक यू सर। अगर कुछ जरूरत हो तो कहना मैं अपने और अपने स्टाफ के बीच कुछ डिस्टेंस नहीं रखना चाहता। चाबी। ओह एक्सक्यूज मी। सर इधर। ओह लड़की कहाँ है? लड़की नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप नीचे क्या कर रहे थे? मैं चाबी ढूंढ रहा था। मैं आपको ढूंढ रहा था। बड़ा किया मत। मुझे मालूम है आप क्या ढूंढ रहे थे। ये लीजिए अपना प्रीवी पर्स और हवा खाइए। क्या आप मुझे मेरे ही ऑफिस से दफा होने को कह रहे हैं? देखिए मिस्टर रोमियो माना कि ऑफिस आपका है मगर इसको चलाता मैं हूँ और इससे पहले कि यहाँ की हवा खराब हो जाए और वो खराब हवा आपके घर पहुंच जाए तो आप यहाँ से चले जाए। मैं आपके घर फोन लगा देता हूँ। सर दो मिनट की बात बस बात कर लेंगे तो बहुत मजा आएगा। इट्स ओके रिलैक्स। अच्छा इतनी जल्दी रिलैक्स। ये फाइल लीजिए सर। ले लो जो भी है मैं चला। ठीक है बाय मिलते हैं। आना भगाने का कितना आसान तरीका है। अब मैं क्या करूँ? मेरी डायल करूँ? हेलो मेरी अंदर आना तो पहली बार मैं औरत पहचान गई यार। हट शांति शांति साइलेंस साइलेंस। आप में से कभी किसी ने किसी के साथ मोहब्बत की? मोहब्बत कैसे करते हैं किसी को कुछ मालूम है? ओ तो सब कुछ मुझे ही सिखलाना पड़ेगा। ओके मोहब्बत का टीचर हूं मैं दोस्तों। मोहब्बत का टीचर हूं मैं दोस्तों। समझे? तुम अगर कहीं पे मिले कोई लड़की तो हंस के मिलाना नजर। पहला तरीका सुनो तुम अगर कहीं पे मिले कोई लड़की तो हंस के मिलाना नजर।
वो मुस्कुराए तुम्हें देखकर, तो तुम ये समझना सिग्नल मिला है। जब वो मुस्कुराए तुम्हें देखकर, तो तुम ये समझना सिग्नल मिला है प्यार का। मोहब्बत का टीचर हूँ मैं दोस्तों कि मैं सर, एक चुम्मा ले सकता हूँ? जरूर, लेकिन खाली जुम्मे वाले दिन, नहीं तो। अरे भाई क्या समझ रहा है? सर मैंने जुम्मे के दिन ही चुम्मा लिया था, लेकिन अब वो मिलती नहीं। अरे फिर तू क्यों नहीं जाता उससे मिलने? लड़की का बाप इंस्पेक्टर और दो भाई गुंडे हैं। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या, चढ़ जा सूली पे। ओके सर। जब ऐसा हो तो नजदीक जाना, जाके ये कहना सनम, तरीका है नंबर ये तो। जब ऐसा हो तो नजदीक जाना, जाके ये कहना सनम, तरीका है नंबर ये तो। तेरा नाम क्या है, कहाँ तेरा घर है, कहाँ तू है रहती, बता ये बता दे। तेरा नाम क्या है, कहाँ तेरा घर है, कहाँ तू है रहती, बता ये बता दे यार को। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अबे मजनू की औलाद, तुझे कुछ नहीं समझ में आएगा, तू खाली चूसता रहे। हाँ बड़े प्यार से कहना तुम, तीसरा तरीका है ये। नजर तो मिलाओ, दिल में बसाओ, न दूर जाओ गले से लगाओ। नजर तो मिलाओ, दिल में बसाओ, न दूर जाओ गले से लगाओ प्यार से। जाने मन इतने बड़े बंगले की क्या जरूरत थी, हमारे लिए तो एक बेडरूम ही काफी है। लेट्स गो। मैं तुमको मोहब्बत के सागर में डुबाकर। शराब पीने का मजा आहिस्ता आहिस्ता सिप लेने में है, गटागट पीने में नहीं। नॉटी गर्ल। यहाँ और कौन है? कोई भी तो नहीं। मैं देख कर आता हूँ। हाय डार्लिंग, तुम यहाँ कैसे? तुमने ही तो कहा था जुहू बंगले 203 में मिलेंगे। मैंने? हाँ। हाय रवि। तुम भी? हेलो जानेमन। हाय सीता। तुम भी? हेलो रवि। जानेमन? रवि। निर्मला, ये तू भी इसकी गर्लफ्रेंड है? इशिता, तू भी इसकी गर्लफ्रेंड है? छोड़ना नहीं चाहिए। रवि डार्लिंग, ये कौन है? कसम से मीना, मैंने नहीं जानता। जानेमन, चार दिन से एक ही चेहरा ख्वाब में आ रहा है। तुम मिले तो पहचाना कि वो तुम ही हो। लगता है हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी पिटाई का इंतजाम हो रहा है। नीचे, नहीं नीचे। नहीं, रोमियो की पिटाई का नहीं, विदाई का इंतजाम हो रहा है। बस चीफ गेस्ट आने की देरी है। और कौन होगी? लो, एक और जाने मना गई। अपनी बेगम साहिबा से नहीं मिलोगे क्या? ये शादीशुदा है, ये शादीशुदा है। इतना बड़ा धोखा, इसका तो इश्क का भूत हम उतारते हैं। ठहरो, एक औरत के सामने उसके मर्द की बेइज्जती करना ठीक नहीं है। रवि साहब, आप औरत को समझते क्या हैं?
एक खिलौना, जब दिल चाहा खेला और फेंक दिया। एक शादीशुदा मर्द होकर अपनी भोली भाली बीवी की आंखों में धूल झोंकते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? लेकिन आज के बाद तुम्हारे ये नाटक खत्म। अब एक वफादार शादीशुदा मर्द बन के रहना वरना। प्लीज आशा ऐसा मत करो। आज जो तमाशा सबके सामने हुआ उसके बाद तो मुझे शर्म से मर जाना चाहिए था। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा आशा, प्लीज। आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी आंखों के सामने तुम मुझे बूंद बूंद जहर देके मरते रहो और मैं चुपचाप बैठी सहती रहूं, तुम्हारे ये घर संभालने वाली गुड़िया बनकर देखती रहूं, तुम्हारे ये घर चलाने वाली एक नौकरानी बनकर, तुम्हारी मर्जी पर तुम्हें खेलने की इजाजत देने वाली गुड़िया बनकर। मैं जानता हूं कि मैं आज तक बहुत बड़ी गलती करता रहा, शादी के पवित्र रिश्ते को झुठलाता रहा। शायद पापा के लाड प्यार ने मुझे कभी मैच्योर होने ही नहीं दिया। एक बच्चे के बाप बनने वाले हो और अभी तक मैच्योर नहीं हुए? सच आशा, मैं बाप बनने वाला हूँ। छोड़ मुझे, तुम्हारे शरीर से वासना की घिनौनी बू आ रही है। मैंने सुना है कि पत्नी की समझदारी पति को नर्क से भी खींच लाती है। मेरा साथ दो आशा, मुझे संभालो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं अपने आने वाले बच्चे की कसम खाता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कसम मत खाओ। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम फिर भाग गए और मेरे बच्चे को। मुझ पर यकीन करो आशा, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा है, हमारा। सच, प्लीज मुझे माफ कर दो, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। ये मंगलसूत्र पहनने के बाद हर कोई जान जाता है कि मैं एक शादीशुदा हूँ। राइट। उसी तरह आज से तुम ये चैन पहने रहोगे जिसे हर लड़की जान जाए कि तुम आशा के हो, सिर्फ आशा के। परफेक्ट मैडम। और दूसरी शर्त, घर से ऑफिस और ऑफिस से सीधे घर। ओके मैडम। और तीसरी शर्त, ऑफिस से हर एक घंटे में मुझे फोन करोगे, समझे? समझ गया मैडम। लगना है झूठे रामा, चाहे जिया जाए चाहे जिया जाए। अशोक, अरे साहब आप इतनी जल्दी? नहीं तो क्या तेरे साहब का भूत हूं? इडियट, बदतमीज। हेलो। हेलो जाने मन, देखो तुम्हारे हुक्म का गुलाम ऑफिस पहुंच चुका है। ठीक है। अब तक नाराज हो? थैंक गॉड। वो चैन कहाँ है? वो चैन, हाँ बिल्कुल बाहर है और दुनिया के सामने ऐलान कर रही है कि मैं सिर्फ आशा का, अपनी आशा का। शुक्र है हंसी तो आई। अब अगर इजाजत हो तो कुछ ऑफिस का काम कर लूँ। ठीक है, पर एक घंटे के बाद फिर फोन करना। ठीक है, बाय। बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये ऑफिस है या धर्मशाला? सॉरी सर, सारे 10 बज चुके हैं और अब तक कोई अपनी सीट पर नहीं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सॉरी सर, वो बस मिलने में थोड़ा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। मैरी। यस सर। आई वांट अ डायरेक्ट लाइन इन माय कैबिन राइट नाउ। माखनलाल जी। यस सर। आप तो यहाँ के मैनेजर हैं, अगर आप ही लेट आएंगे तो दूसरों से क्या कहेंगे? सॉरी सर। सॉरी सर, ये क्या है? धोती कुर्ता अंदर जाके बदल लूंगा। धोती कुर्ता यहाँ पे बदल लूंगा? ये ऑफिस है, कोई अनाज की आदत नहीं कि धोती प्रसाद बने चले आ रहे हो। तू क्या हंस रहा है भाई? कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। माखनलाल जी, मैंने साहब आपका भी पानी उतार दिया, आपकी भी कोई कीमत नहीं। ऐसा आदमी जिंदगी में दो ही बार करता है। कब? या तो पैसा बहुत कमा लिया हो या बीवी के हाथों जूता खा लिया हो। वाह क्या बात कही है मैनेजर साहब जी, एक मिनट जरा लिख लूं। मैं जरा लिख लूं। तुझे लिखना आता है? बैठो सर, चपरासी कहो। भाई मेरा भी पानी उतार दिया। तेरे अंदर पानी है, मुंह उधर कर। कहां से पकड़ के लेकर आते हैं इन लोगों को यार? अब जिंदगी भर एक बीवी और ये ऑफिस का कमरा और ये सब तस्वीरें। मैं आई कम इन सर। क्या सुबह सुबह कोई कड़वे करेले का जूस पी लिया था क्या? जितना कड़वा बोल रहे हो ना, छोटे बड़े का लिहाज एक दिन पहले क्या आगे सब आग बरसाना शुरू कर दिया है? मुझे माफ कर दो, मैं बहुत परेशान हूं। क्यों, क्या हुआ? ये देखिए। मतलब आखिर बिल्ली के गले में घंटी लटकी है? बिल्ली?
हाँ वो बिल्ली जो चूहे बहुत ज्यादा पकड़ती है। अब तुम ही मेरी तरह नाक में निकील डाले घुमा फिरा करोगे, आजादी बंद। अरे माखनलाल जी ऐसे मेरा दम घुट जाएगा। अरे छोड़ो यार, मैं मर जाऊंगा। माखनलाल जी मेरी मदद कीजिए, हवा आने का कोई रास्ता दिखाइए। अरे ना हवा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे इतना बताइए क्या दुनिया के तमाम शादीशुदा मर्द सिर्फ एक ही क्यों की जिंदगी गुजार देते हैं? बिल्कुल, मैं नहीं गुजार रहा हूँ क्या? मैं आपकी उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी उम्र की बात कर रहा हूँ। खास फर्क तो है नहीं। जब आप मेरी उम्र के थे क्या आपने कभी हेरा फेरी का काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं। मैं कहा रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहा हूँ। पानी चाहिए, एक गिलास पानी लाना भाई। मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मिसाल पेश कर रहे हैं। हाँ, तो मैं भी मिसाल में बोला हूँ ना, पानी सामने रखा है। ओफो, मुझे सोचने दीजिए। सोचो। हाँ, आशा की शर्त मुझे क्या मालूम। चेन पहन ली, घर से सीधे ऑफिस आना। आ गए, आ गए, लेकिन ऑफिस से घर पहुंचने के बीच कुछ खिचड़ी तो पक सकती है। क्यों खिचड़ी? मुझे खिचड़ी बनाना नहीं आती। कहां से इस बावर्ची को पकड़ लाया मैं? कौन बावर्ची? ठीक है, आप सिर्फ इतना जानिए कि अगर मेरे जाने के बाद आशा का फोन आए तो आप उसे ये कहना कि मैं बाथरूम में हूं या कोई मीटिंग अटेंड कर रहा हूं। मतलब मैं उससे उसे झूठ बोलूं? वो मेरी कितनी इज्जत करती है यार। आप आशा की फिक्र मत कीजिए, उसे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, और इसी काम के लिए मैं आज से आपकी तनख्वाह दुगनी कर रहा हूँ। साल भर के अंदर हमारे घर भी टिप टॉप नहीं हुई गवा, तो हम दरिया में कूद के प्राण दे दे हैं। हाँ। अच्छा, कर देंगे। पैसे की खातिर अपनी आत्मा को मार रहा, अब क्या करें, रोज रोज के झगड़े तो खत्म हो जाएंगे ना यार। माखन जी आप किससे बात कर रहे हैं? नहीं, वो मैं अपने आप से बात कर रहा था। सुनिए, दुगनी तनख्वाह के अलावा डीए टीए और आरे ऊपर से आरे रोमांसिंग अलाउंस, आज से आप हमारे मैनेजर ही नहीं हमारे पीआरओ भी हुए, यानी कि पर्सनल रोमांस ऑर्गेनाइजर। एक लगाएंगे घुमाएंगे। क्या? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये मेरे अंदर की आवाज है। झूठा कहीं का बिश। देखा, नोट रखने से जमीर की आवाज भी बंद हो जाती। वाह क्या बात, क्या लड़की है, क्या मस्तानी चाल है, मेरा दिल गया टक 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 टक। लिफ्ट? यस। हेलो, लेट्स गो। तुम्हें पहले कहीं देखा है? याद आया, ये तो वही चेहरा है जो तीन रातों से मेरे ख्वाबों में आ रहा है। नहीं यार, इसी एरिया में कहीं देखा होगा। हो सकता है, वैसे तुम्हारा गजरा बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, चाहिए ये ले लो। बड़ी बिंदास हो। बड़ी खूबसूरत है तुम्हारी बीवी। लेकिन मर गई। ए, काय को बेचारे को मारता है, तेरे जैसे बहुत देखे झूठ पे झूठ बोलने वाले। बहुत देखे मतलब? भोला मत बन, पहले अपना पाकिट देख ले, पूरे 500 लूंगी। तुम क्या? हाँ मैं वही छू। उतरो। क्या? उतरो गाड़ी से। आओ। क्यों, लड़की चाहिए थी ना तुमको तो? लेकिन तुम क्या लड़की हो? छी, तुम तो वो हो। तेरी तो, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ जो तेरी बकवास सुन लूंगी। पहले पैसे निकाल। मेरा पर्स कहीं रह गया। अच्छा, बड़ा कड़का है। चलिए घड़ी चलेगी। लेकिन मैंने कुछ किया था? अरे टाइम तो खोटा किया ना। लेकिन ये मेरी बीवी की गिफ्ट। क्यों, होता है चली गई ना, वो पूछने नहीं आएगी। चल फोन। शादी कहीं भी लेकर गई, देख लूंगा तुझे। क्या रवि? हाय। कितनी देर कर दी? आज का जमाना भी बहुत खराब है, ऊपर से मेरी बाईं आंख भी फड़क गई थी। ट्रैफिक में फंस गया था। माय ब्रीफकेस। मैं लाती हूँ। रवि। यस डार्लिंग। डार्लिंग गई भाड़ में। पहले ये बताओ गाड़ी में फूल कैसे, कौन थी तुम्हारे साथ? मेरे साथ कौन होगी? ओ ये फूल, हाँ देखो ना, फूल तो भगवान पर चढ़े हैं, देखो। अब भगवान के नाम पर भी झूठ। आशा, मुझको गले से लगा।
मौसम बहारों का है, दिलकश नजारों का है, दूर न मुझसे तू जा। क्या जवाब दूं? उन्हें कहिए कि दुनिया की तमाम जूते मेरे सिर पर आकर मारे। वेरी गुड। हे, कहाँ जा रहे हो? नहीं, वो जूते लाके मारने के लिए। नहीं, सॉरी सर, मैं आप कुछ परेशान लग रहे, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, आजकल हर लड़की को देखकर मेरा दिल मचलने लगता है, घंटी बजने लगती है।
और घंटी की आवाज सुनने के बाद आशा आपकी आरती उतार देती होगी। अरे आरती ही नहीं, बैंड बजा देती है। बहुत अच्छा करती है। क्या कहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि अब तुम मुझसे ये सब बातें क्यों कर रहे हो? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू देन। अरे आप तो मेरे प्यारो है तो। अरे हाँ, मैं एक आइडिया दूं सर आपको। हाँ वो मिलेगा। हाँ मिलेगा। तो वो आप उससे पूछिए ना जिसने आपको चक्कर में फंसाया है। वो अरे चलिए ना। मैं कहाँ चलूँ? मैं नहीं आता, वो बहुत फ्रॉड आदमी है। अरे फ्रॉड आदमी किधर? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो मेरे वहां ले जा, क्या करेंगे? प्रेम ही जीवन है। कौन प्रेम? पीएम साहब। अच्छा मोहब्बत की बात कर, बहुत फ्रॉड आदमी है। प्रेम भगवान है, ये गजरा गाय के लिए। प्रेमिका से प्यार करना 100 रुपया, ये 100 रुपया हमको देंगे? पीएम लेंगे। अच्छा वो लेता है? हाँ। वो 420 आदमी है। पत्नी के अलावा अन्य प्रेमिका रखना तुम्हारी प्रॉब्लम ही है। हाँ। चलो बात करते हैं। एक मिनट। क्या? मैं पीएम साहब का बेस्ट स्टूडेंट हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी कारण उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरी प्रॉब्लम है ना वो आप अपनी प्रॉब्लम कह के बताइए। यानी तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं अपनी बता के बताऊं? मैं कहता बेवकूफ दिखता हूँ क्या? प्लीज मेरी इज्जत का सवाल है। तो मेरी इज्जत क्या इतनी सस्ती है? मैं नहीं करता। नहीं, नहीं, ए, नालायक। तेरी ये हिम्मत? नहीं, मैं नहीं, ये मेरी घड़ी में से आवाज आ रही है। देखो ये कैसी घड़ी है? ये अलार्म के टाइम इसमें से ना गालियां निकलती है। अरे चुप रहना यार। अच्छा चलो रह जाते हैं चुप। ये एक, ये दो, अब तो चलेगा ना? हाँ थोड़ी देर चला लूंगा, बाद में देंगे ना। और हाँ चलो। ये क्या है? इधर आइए बैठिए। बस पीएम साहब अभी आते होंगे। बैठिए। हम लोगों ने जूते वहां उतारे, कुछ चुराएगा तो नहीं ना? क्या कह रहे हो? अब हम अपनी पूजा आरंभ करते हैं। कृष्णा धरती पे आ जा तू, कृष्णा कृष्णा धरती पे आ जा तू। फ्रॉड आदमी लगता है। पूजा हो रही है। अब हमारी पूजा समाप्त हुई। बेमानी की भी पूजा होती है? पहली बार तो देख रहा हूँ। ओह माय गोल्ड मेडलिस्ट, हाउ इज योर प्रोग्रेस? बस आपकी दुआ से एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। क्या बंडल मार रहा है? चुप बैठो। अच्छा अच्छा हाँ। ये हमारे खास आदमी मिस्टर माखनलाल जी, मैनेजर, थोड़े परेशान है। प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 इनकी? ये तो कुछ 15-20 बच्चों के बाप लगते हैं। 15-20? कम बोल। इतने बच्चे तो पूरे इंडिया में नहीं है। नहीं बच्चे नहीं है, अपना जमीर तो मार दिया, बच्चों को भी मार रहा है सुसरे। कोई है तुम्हारे साथ? कोई नहीं। नहीं नहीं, वो आपने कुछ गलत बोला ना तो अंदर से आवाज आई। मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो फिर? और एक बीवी भी है अच्छी खासी। तो फिर समस्या क्या है? दिल जाना मानता नहीं है। अब दिल के कहने पर चलो तो घर में महाभारत हो जाती है, घर की महाभारत संभालो तो दिल उछलने लगता है। अब इन दोनों को संभालो तो कभी प्यार आता है कभी पाप, ये सब दोनों बहुत परेशान करती हैं, इसलिए आपके पास आए। आप कोई शॉर्टकट बताएं इसको, मतलब मुझे तो प्रॉब्लम हल हो जाएगी। बालक ये तंदूर है क्या? नहीं, हमारे ज्ञान की रोशनी है। इसमें बल्ब अच्छा लगा है, कितने मिली है? बल्ब नहीं है बालक, मिस्टर मक्खन, आपको घर के मक्खन के साथ साथ बाहर का मक्खन भी खाना चाहिए। मेरे मक्खन हजम नहीं होता इसलिए मैं टोस्ट है ना सूखा खाता हूँ। ये वो मक्खन नहीं है बालक, बाहर वाला मक्खन। प्रेम प्यार, लेकिन अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ। वो नहीं, वो अपने से नहीं होगा, वो इनका डिपार्टमेंट। और क्या, मेरे डैडी ने कहा था ये सब मत करना, ये पाप है। अगर तुमको महसूस हो कि तुम कोई पाप कर रहे हो तो इसका भी एक रास्ता है। जो भी तुम कार्यक्रम अपनी बीवी से छुपा के कर रहे हो वो अपने नजदीकी मित्र को सब बता देना चाहिए कि तुमने क्या किया और कैसे किया। लेकिन तुम खामोश रहो, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज यंग बॉयज प्रॉब्लम, सो लेट मी सॉल्व इट। जैसे गलत खाना खाने से याद रखना जी घबराने लगता है, और जब मुंह में उंगली डालो तो उल्टी आने से मन शांत हो जाता है। तुम्हें ये उल्टी कर दूं? नहीं, उल्टी करने के लिए कहा ना मैंने, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। वैसे ही अपनी छुपा वो सब पाप को हल्का करने के लिए किसी मित्र को सब कुछ बता दो तो पाप का। बहुत बंडलबाज है यार। नहीं मैं आपकी बुराई कर रहा था, सॉरी, मैं आपकी तारीफ कर रहा था। पैसे कौन देगा?
हाँ ये देंगे। मैं कहां से दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। अभी जो दिए थे। कहां पे? सीढ़ी पे। नहीं उस सीढ़ी से लेके यहाँ तक आने में खर्चा हो गया। इसके बीच तो दुकान तो नहीं है। नहीं वो मन के अंदर दुकान है ना, उसके अंदर खर्चा हो गया। ठीक है मैं देता हूँ। आपसे ज्यादा नजदीक इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। क्यों मारो मुझे यार, लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ की आज से जो कुछ भी मैं दूसरी लड़कियों के साथ करूंगा वो मैं आपको सुना दूंगा। नहीं मैं नहीं सुनने वाला। क्यों? अरे मर्द आदमी हूँ, कुछ हो गया तो। डोंट वरी, तीन बच्चों के बाप बनने के बाद आपको कुछ नहीं होगा। अभी भी शादी करो, छह बच्चे पैदा कर सकता हूँ। नहीं नहीं ये मेरा टेलीविजन है। अरे खाली कह रहे हैं यार, कर थोड़ी रहे। अच्छा अच्छा सोच लो, एक सीन सुनने के लिए 200 रुपए। 200 रुपए? मैं जरा अपने सेटेलाइट पे बात कर लूं। सुनने का 200 रुपए मिलेगा, चलेगा? हाँ दौड़ेगा। हाय। ओ हाय। ये लड़की का नाम हाय? शिफाली, शिफाली। अच्छा अच्छा ये शीशा बेचती है यार। चलो उतरो। किधर उतरूं? तो मैं जल्दी में हूँ। तुम जल्दी तो मैं क्या उतरू यार, तो मैं जाऊंगा कैसे? बस से आगे बस स्टॉप है। अच्छा मैं बस में जाऊंगा और वो इसमें जाएगी। कमिंग। ओ मियां सुनो, मैं अगर पैर जमीन पे रखूंगा ना तो मेरे पेट में से राज निकलने लग जाएगा, और फिर आशा के सामने राज निकले तो क्या धुलाई होगी तुम्हारी। क्या करूं, मजबूरी है। अच्छा मैं चलो जाता हूं। टैक्सी में, टैक्सी। इतना तो टैक्सी वाला टिप लेता भाई, इतने में तो ऑटो रिक्शा वाला नहीं बैठा। अच्छा मैं जाता हूं, मेरा क्या है? जल्दी करो। 5 मिनट तो चला लूंगा, बाद में और देना। हाय हाय। फ्री हो? हाँ फ्री हूँ। चलो नेशनल पार्क चलते हैं। हाँ चलो। सुबह वो लड़की कौन थी? कौन? वो पागल थी एक। ये कहानी सुनने की। मगर छोटी सुना ना। क्या शीशे वाली लड़की थी यार, हाय। कल नेशनल पार्क गए हम। अच्छा क्या लंबी जुल्फे थी उसकी। हाय हाय, क्या होंठ, क्या किसी थी यार। मेरा दिल उधर ही बचा गया, मैं उधर ही बढ़ गया। मैं स्टेरिंग व्हील छोड़कर उसको लिपट गया। वो मुझसे चिपक गई। अरे यार, आई यार यकीन नहीं आ रहा था यार, लड़की क्या क्या लड़की। कार भी शुरू हो गए, मैंने ब्रेक दिया। मैं ऊपर, मेरा दिमाग खुल जाएगा, मेरे आग लग रही है। मैं ऊपर, वो नीचे। नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, इतना मैं शर्ट उतारूं। अबे ए सभी, स्टोरी खत्म नहीं हुई। ये कैसा है? ये भी नहीं। सुनिए ये ड्रेस मैंने ली। अच्छा ये ड्रेस कहाँ है? ये ली। बिल? ओके थैंक यू, वेलकम। यहाँ ये देखो। अरे ये क्या है? तुमको पसंद नहीं डाले? लहराते हुए मैं उसकी तरफ बढ़ा। वाह क्या लगती थी वो, क्या फिगर, 36 26 36, क्या रेशमी जुल्फे थी उसकी। फिर मैंने उसको किस किया, उसके ऊपर झुका, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं बहुत बाकी हूँ, माफ कर दो। मेरे पास माफ कर दो, माफ कर दो। लगे रहो, मेरे बाप कह जाता है, भगवान इनको माफ कर देना। कभी कह जाता है। चल। हेलो। अच्छा कान बंद करके बैठे है। अच्छा तो फिर मैंने उसको बोला मैं वो बहुत प्यार करता हूँ, वो आई मेरे पास आकर पता नहीं है यार। क्या पैंट उतारूं क्या? मजाक है, चलो हटो। अरे छोड़ो ये बीवी वाले काम, लेट्स गो। मुझे खाना बनाने दो, चलो। देखो आज तक सिर्फ तुम मेरी बीवी थी। तो क्या अब नहीं हूँ? मेरा मतलब ये नहीं था पगली, आज से तुम बीवी के साथ साथ मेरी प्रेमिका भी हो। अरे आओ हम रोमांस करें, डांस करें। हा।
प्यार है, मैं तेरा प्यार हूँ। रोज मिलेंगे मिलके चलेंगे प्यार की राह पे हम दोनों। झिंचक 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 ओ बाबा, झिंचक 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 हे, झिंचक 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 ओ बाबा, झिंचक झिंचक झिंचक। मेरा प्यार है, मैं तेरा प्यार हूँ। रोज मिलेंगे मिलके चलेंगे प्यार की राह पे हम दोनों। झिंचक 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 ओ बाबा, झिंचक झिंचक झिंचक, झिंचक 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 ओ बाबा, झिंचक झिंचक झिंचक। तेरे नाम लिख दिया, जिंदगी का फैसला पल दो पल में कर लिया। मैंने तो ये दिल सनम तेरे नाम लिख दिया, जिंदगी का फैसला पल दो पल में कर लिया। तू मेरा प्यार है, मैं तेरा प्यार हूँ। रोज मिलेंगे मिलके चलेंगे प्यार की राह पे हम दोनों। झिंचक 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 ओ बाबा, झिंचक 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 हे, झिंचक 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 ओ बाबा, झिंचक झिंचक झिंचक। झिंचक झिंचक ओ बाबा, झिंचक 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 हे, झिंचक 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 ओ बाबा, झिंचक 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 हे, झिंचक 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 ओ बाबा, झिंचक 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 हे, झिंचक 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 ओ बाबा, झिंचक झिंचक झिंचक। लो पहुंच गए खंडारा। कम ऑन माला। ये रही माला। ये माला नहीं, अच्छा ये वाली माला। हाँ। मैं दो माला। कम ऑन। हाय मैं मर जाऊं। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, खुदकुशी हो रही है। क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, इतनी जल्दी क्या है, तंग मत करो ना। हेलो। हेलो लड़की, लड़की कहाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं। इनका सत्यानाशों में दिमाग खराब कर दिया लोगों ने यार। शीशी ये कैसा फिराती है, मेरी याद ही नहीं रहता, भूल गया मेरे, क्या मुसीबत है। अरे जाना, आई लव यू। एक बार फिर बोलो, आई लव यू। मैं तुमको हाथ लगाऊं? दूसरा भी? श्योर। सर पे? गाल पे? ये ये भी लगाऊं? या जाग रहा हूं मैं, सो रहा हूं यार। ये माँ, लड़की कहाँ गई बताओ? मैं लड़की की जगह कुत्ते की पपी ले रहा था, अच्छा वो किसी ने देखा नहीं यार, मेरा दिमाग खराब हो गया। अपनी बीवी की फोटो देख रहे हो? बीवी कौन सी बीवी? तुम्हारी बीवी नहीं,
मेरी को कोई नहीं दिखी, मैं तो वैसे तो आपके था। अच्छा एक्सक्यूज मी, मैं माखन जी से मिलकर आता हूँ। कम ऑन। अरे यार क्या है, तुम क्यों मेरे सता रही हो? मैं कहाँ सता रही हूँ? उधर भी नजर आती, यहाँ भी नजर आती हूँ, क्या चक्कर क्या है? कुछ भी नहीं, आई लव यू। उधर भी लव यू था, जब मैं नजदीक आया तो भाग गई। अब नहीं भागूंगी। पक्का? हाँ। मैं भी आऊं? हाँ। नहीं भागोगी ना? नहीं। मैं ऐसे कभी नहाया नहीं उधर। अरे कौन है यार, दो मिनट के आ। माखन जी तुम भी अंदर आओ, उल्लू को पटला साला भिगा दिया मुझको। ये पानी बंद किधर से होता है यार? हंसता क्या है? इस वक्त नारे हो तुम, कपड़े पहने हुए? कपड़े उतारने का चांस ही नहीं मिला। खैरियत तो है ना? अभी तो है, कल की गारंटी नहीं है। फोन करके आता हूँ। हेलो जाने मन। फिर किसको बुला रहे हो तुम? बीबी है। तो नाम ना जाने मन क्या था, बीबी को जाने मन कहता है क्या? कौन फ्लोरी? क्या हुआ आशा को? उसे कहने की फिक्र मत करना, मैं अब भी आया। जी आशा सीढ़ियों से गिर गई है। गिर तो तुम भी गए हो। वो भी ऐसे दिनों में जब वो माँ बनने वाली है। मैं चला। उसका क्या होगा जो वहाँ पड़ी हुई है? तुम संभाल लेना। मैं? मेरे लिए बीबी पहले है। क्या पत्नी वर्ता आदमी है यार, एक बात समझ में नहीं आती है कि इंसान अपने शराफत के घोंसले को छोड़कर उड़ जाता है, कव्वे की तरह यहाँ वहाँ चोंच मारता फिरता है, मगर शाम को वहीं पहुंच जाता है जिस घोंसले में उसकी बीवी रहती है। अगर वहीं जाना है तो फिर सब करने की क्या जरूरत है कि नहीं? नहीं वैसे जरूरत है, नहीं तो आदमी मर जाएगा, है ना? का कही? फिर से तो बोलो। अरे हाँ भाई मालूम है, खाली मुंह से निकल गया भड़कती का, बीवी ने अजीब मुसीबत मेरे साथ चिपका दी है। ये सब कैसे हुआ? अच्छा हुआ साहब आप आ गए। फ्लोरी पहले ये बताओ कि आशा कैसी है? गॉड ने मेम साहब को बचा दिया साहब। और मेरा बच्चा? सब अच्छा है। हाँ। आप जल्दी जाइए, मेम साहब आपको बहुत याद करता है। जेन बाहर निकाल दे बेटे, डोंट वरी जानेमन, अब मैं आ गया हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी? आशा सब ठीक तो है ना? हाँ रवि, हमारा बच्चा बच गया। अगर अगर उसे कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। रवि मेरी कसम खा के कहो, उस दिन तुमने बच्चे की छुट्टी का सपना दिखाई थी ना? क्या बच्चों जैसी बातें करती हो आशा? मैं भले ही बुरा हूं, न जाने कितने पाप किए होंगे, झूठ बोले होंगे, लेकिन तुम जैसी पत्नी के पुण्य इस परिवार पर आने वाली हर मुसीबतों को टाल देंगे। हाँ आशा, ये मेरा यकीन है। आई लव यू आशा, आई लव यू। मेम साहब जरा एक बार बच्चे को आने दो, ये तुम्हारा फूल वूल कुछ नहीं बदलने वाला है। नहीं फ्लोरी, मैं अपने बच्चे को शुरू से ही फूलों से प्यार करना सिखाऊंगी, उसे समझाऊंगी कि फूलों की खूबसूरती देखनी चाहिए, उसकी खुशबू महसूस करनी चाहिए, मगर उन्हें तोड़ना या मसलना नहीं चाहिए। मेम साहब आपकी चिट्ठी। Hey, Flory, किसकी चिट्ठी है? पापा की। Oh, good. तुम्हारी साली की शादी तय हुई है। अच्छा? अचानक सब कुछ हुआ है। लिखा है हालांकि शादी को अभी 10-12 दिन है, लेकिन तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सभी कुछ तुम्हें ही करना है। खत देखते ही रवाना हो जाना, रवि को भी साथ में लाना, क्योंकि दामाद कहो या बेटा वही मेरा सब कुछ है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ। तो कब जाना चाहती हो तुम? क्यों तुम नहीं चलोगे? पगली, काम छोड़कर इतने दिन में बाहर कैसे रह सकता हूँ, तो या 3 दिन पहले पहुँच जाऊंगा। लेकिन पापा को बुरा लगेगा। तुम इतनी समझदार हो, मुझे यकीन है कि तुम पापा को समझा दोगी। और सुनो, फ्लोरी को भी साथ में ले जाना, मैं तुम दोनों की फ्लाइट की टिकट अभी बुक किए देता हूँ। व्हाट टू राइट सर? सर व्हाट टू राइट सर? व्हाट टू राइट सर? राइट एनीथिंग यू लाइक। एनीथिंग? इसको छोड़ो मेरी मेरी। यस सर। पान खाएगी? पान? नो थैंक यू सर। सर इट्स बैड फॉर हेल्थ सर। नो नो इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ। नो सर इट्स बैड फॉर हेल्थ। कौन बोला
इट्स वेरी गुड. ये है ना इसके अंदर लाल लाल थिंग कथा, व्हेन इट गोज इनटू द पेट देन खून बनाता है. लाइक दिस नो ताकत कमिंग. हेलो सॉरी गर्ल. हेलो. मेरा डायरेक्ट कनेक्शन का क्या हुआ? सर आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग हियर सर. ऐसा थोड़ी चलेगा. माखनलाल जी जी जरा अंदर आइए. वो वाला खाता लेकर. वो वाला? वो वाला खाता लेकर. कितना छिछुरा बॉस है. मेरी मेरी ये आदमी जरा हवा में उड़ रहा है. हवा में मतलब ही इज फ्लाइंग. फ्लाइंग तो बी अवे फ्रॉम हिम ना. कुछ भी गड़बड़ करे तो माई टू टेक चांसेस. यू अंडरस्टैंड ये ना. यू अंडरस्टैंड ना? या अंडरस्टैंड सर. अरे क्या सर, कॉल मी समथिंग एल्स. सर व्हाट सर? फिर वही सर, समथिंग एल्स. समथिंग एल्स सर. कॉल मी बॉयफ्रेंड सर. बॉयफ्रेंड? आई डोंट हैव बॉयफ्रेंड सर. तो दुनिया में पैदा काहे को हुई है यार. कॉल मी डार्लिंग. डार्लिंग? डार्लिंग सर. डार्लिंग में भी सर. हर्ट क्या है? दस्तिन माखन जी, दस्तिन. क्या मतलब? आशा मैके गई है दस्तिन के लिए. अरे रे रे, कितनी दुख की बात है, मुझे रोना आ रहा है. दुख की बात? आपकी पत्नी चली गई ना. अब आएगा मजा माखन जी. हा? अब आप रहेंगे, हम रहेंगे और ये सुनहरा खाता रहेगा. वाह! 10 दिनों तक. 10 दिन में तेरा सर्वनाश हो जाएगा. काहे को शराब दे रहा है? देख लेना. अरे भर दीजिए इस सुनहरे खाते को सुनहरी तारीखों से और अपने जेब को इन नोटों से. इकामे की संग्रह के तेरा मुंह भी काला हो जाएगा. कहा करें, अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए अपना मुंह काला तो करना ही पड़ेगा ना. मुंह काला? आपको हमरा बनाने का ये मतलब तो नहीं कि आपके मुंह में जो आए बकत रहिए. नहीं नहीं, मैं आपको थोड़ी बोलूं, मैं तो अपने आप से बात करूं. अपने आप से बात करने की इजाजत नहीं है क्या? आप बोलिए, मैं उसको भर देता हूं. बोलिए क्या भरना. बोलिए बोलिए. मैं क्या बोलूंगा, आप तो मेरे पीआरओ है, आप लिखिए. अच्छा, मैं आपके सब 10 दिन की डायरी है ना, अच्छे अच्छे कामों से भरता हूँ. कल अपन है ना अंधे भिखारियों के स्कूल में जाएंगे. अंधे भिखारियों के स्कूल में नहीं जाएंगे. अच्छा, अनाथ आश्रम में जाएंगे. अनाथ आश्रम को क्या हो गया है? विधवा आश्रम में जाएंगे. वहां क्या करेंगे? वहां बूढ़ी बूढ़ी औरतों को खाना खिलाएंगे. माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाएंगे. माखन जी! तो फिर किधर जाएंगे, मेरा मालूम नहीं है. सुनहरी दुनिया में जहाँ मोहब्बत हो. मोहब्बत की सुनहरी दुनिया? मोहब्बत की रंगीन. सर कार्ड. किसका कार्ड है? हट, इतने गंदे गंदे कार्ड लेकर आता, शर्म नहीं आती है? सर इसको बाहर निकालो. किसका कार्ड? किसका है? अरे बहुत गंदा कार्ड है सर. है क्या? नहीं नहीं, जहाँ बोलूं बोलते हुए शर्म आती है, बहुत गंदा है सर. है क्या? होटल ब्लैक एंड व्हाइट में है ना. छी, कैबरे है सर. कैबरे? Every
अरे इसकी कराटे की मां बहन कर दे। मेरे चिल्ले, वेरी गुड वेरी गुड। वाह क्या बात है मेरे शेर। अरे भाई ये जंग तो तूने जीत ली। अरे मोहब्बत की जंग भी जीत ले, वो तेरा इंतजार कर रही है। पीके बताइए कैसी बनी है। वाह आज तक किसी ने ऐसी चाय बनाकर नहीं पिलाई है। आपका मतलब है आपको चाय बना के पिलाने वाला कोई नहीं। फिलहाल तो नहीं। आप बैचलर? बस यूं ही समझ लीजिए। आप यहाँ अकेली रहती है? सिर्फ यही नहीं हर जगह। बचपन में माँ मर गई और बाप घर में दूसरी औरत ले आया। मैं रातों को डरती थी रोती थी और मुझे पीटा जाता। एक दिन उस औरत ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वहां से जो निकली तो न जाने कितने दरवाजे मेरे मुंह पर बंद होते चले गए। फिर एक डांस टीचर के यहां मुझे काम मिल गया। उसे देख देख कर मैं नाचने लगी। फिर एक भले इंसान ने मुझे होटल में नौकरी दे दी और मैं कमाने लगी। लेकिन कहीं मुझे अपनापन नहीं मिला। आज जब आपने मेरी जान बचाई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा अपना है। मैं बहुत अकेली मेरी तनाई है बाकी लो। आशा आशा लो मैं तेरे को कहां कहां ढूंढ रहा हूं और तू यहां खड़ी है। रो क्यों रही है? क्यों रो रही है? समझ गया। अरे बाबा अभी शादी को 3 दिन है, आ जाएंगे। रवि काम काज में कहीं लगा होगा। अरे मिट्टू पिताजी। कब तक रोएगी? ये प्लेन की टिकट है मॉर्निंग फ्लाइट की। तू जाके मुझे खबर दे। ठीक। और एक काम कर जी, एक दफा ऑफिस में फिर से टेलीफोन कर। डार्लिंग सर, जिसको डार्लिंग बोलते हैं उसको सर नहीं बोलते। ऐसा लगता है मैं तुमको डार्लिंग बोलने के पकार देता हूँ। मगर देते तो नहीं सर। पैसे की बात मत करो, मेरे बच्चे का तो तुमको दूंगा ना, सारे घर वाले छीन लेते हैं। खैर आगे बोलो, क्या बोली थी? सर वो मैं बोल रही थी कि 8-10 दिन हो गए लेकिन रवि सर नहीं आए। क्यों? वो अपने ससुराल गए। वो सर की तेरे को बहुत याद आ रही, लेकिन ये सर जो अपना सर तेरे सामने रखे बेटा, ये सर दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो ऐसे ही सर। फोन उठा, फोन बज रहा है। ओके सर। हेलो, मैं आशा बोल रही हूँ। मिसेस रवि बोल रही है? मिसेस रवि नहीं, वो तो नहीं है। हेलो आशा, माकनलाल जी नमस्ते। मैं इधर के फोन में गड़बड़ है, मैं अंदर से बात करता हूँ। एक मिनट फोन रखना नहीं है,
ऐसा कभी बीच में बोला नहीं, फिटवाई क्या? नहीं नहीं अंदर। ओके सर। हेलो, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। कैसी रिक्शा दी? ठीक हुई, पर साहब नहीं आए, कहाँ है वो? वो मैं हाँ मैं दरअसल क्या वो कह रहे थे कि मैं मद्रास जाऊंगा, मद्रास से आऊंगा। मद्रास आई नहीं अब तक? नहीं तो। हाँ याद आया, वो कह रहे थे कि मैं मद्रास से तिरुपति जाऊंगा, तो हो सकती है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई हो। अच्छा ठीक है, मैं सुबह की फ्लाइट से आ रही हूँ, आप मुझे एयरपोर्ट पे मिलिए। मैं आ जाऊंगा एयरपोर्ट पे। हाँ यार ये आदमी मरवा डालेगा, मैं इसको ढूंढू कहाँ। हाँ बोलो माखनलाल जी। अरे क्या यार तुम कहाँ हो, मुझे किसी दिन मरवा डालोगे। मेरी टिकट का क्या हुआ, शादी पर जाना है मुझे। शादी हो गई, अब अपनी बर्बादी की तैयारी करो। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, शादी हो गई, आशा कल सुबह आ रही है। क्या? हाँ मगर सुनो, भूल जाने से पहले तुम आशा को बोलना मैंने उसे कहा तुम मद्रास गए हो। मरवा दिया, वहाँ से तिरुपति गए थे, यही कहना उसे। तिरुपति कहूंगा तो वो प्रसाद भी मांगेगी। तो अपना सर काट के दे देना उसको। क्या कहा? सर मांगेगी, अबे ला के दूंगा, तुम आओ ना ऑफिस में। यार कहाँ जा रहे हो? सप्ता मुझे जाना होगा। क्यों? वो आ रही है। कौन आ रही है? वो अपनी माँ आ रही है। माँ? तो फिर मैं भी चलूंगी, आशीर्वाद लेना होगा ना। आशीर्वाद? आशीर्वाद कितनी जल्दी भी क्या है। क्यों, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करेंगे, घर बसाएंगे, फिर माँ का आशीर्वाद तो जरूरी है ना। डार्लिंग, माँ के आशीर्वाद से पहले एक बात और भी जरूरी है। वो क्या? एक दूसरे को जानना। और वॉट यू मीन, 10 दिन से 24 घंटे हम एक दूसरे के साथ हैं, इसके बाद और भी कुछ बाकी है? किड, जस्ट किड। शादी जैसे अहम मंजिल तक पहुंचने के लिए एक दूसरे को इतनी नजदीकी से जानना जरूरी होता है, जहां दो मन और तन के बीच एक तार तक न हो। नजदीक आके बाहों में भर लो जो जी।
दस दिन घर से बाहर क्या रही, सारा घर गंदा कर दिया। हाय फ्लोरी, डार्लिंग, जानू, जाने मन, I'm sorry, I am very very sorry, मैं तुम्हारा मुजरम हूँ, ये लो जूता, और लगाओ गिन-गिन के। तुम्हें तो मजाक सोचता है, पता है वहाँ मेरी कितनी बेइज्जती हुई, जिसे देखो वो यही पूछ रहा था, तेरा पति नहीं आया, साली की शादी से बढ़कर ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था? डोंट क्राई बेबी, डोंट क्राई। तुमने सबको दुखी किया, सबको। लेकिन डाले मेरे पापा को भी। लेकिन जानू मैं काम से। तुम्हारे काम? सब मालूम है मुझे, पूरी आजादी थी ना, खूब गुलशर्रे उड़ाए होंगे। नहीं जानू, मैं तिरुपति गया था अपने आने वाले बच्चे के लिए दुआ मांगने, ये देखो तिरुपति का प्रसाद। सच्ची? यस डार्लिंग। I'm sorry. No, I'm so sorry, Ravi. Hello. किसका था? कट गया। अच्छा, हम जो लेते हैं। Hello. Thank God. पता नहीं कौन है। छोड़ो, जाने दो। लो चाय पियो। थैंक यू। पता है रवि, पापा के यहाँ एक तोता है, वो मुझे आशा आशा कहकर बुलाता था। रियली? हाँ रवि, मुझे भी एक तोता ला दो ना। ये भी कोई कहने की बात है साहब, ये आपका सूटकेस। रवि, ये तुम्हारा सूटकेस तो नहीं है? मेरा ही तो है, मरवा दे माखनलाल जी ने। अरे इसमें सारे कपड़े तो ब्रांड न्यू है, देखो अभी तक लेबल भी नहीं उतरे, ये देखो। इसे तो वकील होना चाहिए था। वो क्या है आशा की, तुम चली जाती हो ना तो सब गड़बड़ हो जाता है। ऑफिस में अचानक एक टूर की बात तय हुई, टाइम कम था तो रास्ते से एक नया सूटकेस और कुछ कपड़े ले लिए। अब देखो ना आशा, तुम्हारे ना होने से कितना पैसा वेस्ट करना पड़ा है ना। ठीक है, मैं इसे अलमारी में रखती हूँ। हेलो, कहाँ थे? मैंने पहले भी फोन किया था। पता है, शायद बाजी ने उठाया होगा। हाँ? माजी से कब मिला रहे हो? जल्दी। अरे रवि, I missed you. I love you. हाँ? क्या? हाँ? बोलो ना। I love you. I... हाँ, कल ऑफिस में। ऑफिस में? हाँ। क्यों? माजी पास में खड़ी है। हाँ। अच्छा, तो सुनो ना, शाम को जल्दी आना, मैं वेट करूंगी। ये क्या सुबह सुबह? अरे 12 दिन से तरस गया था तुम्हारे लिए। फ्लोरी आ जाएगी। अरे फ्लोरी छोड़ो की ऐसे की तैसी। अरे ओहो, क्या हुआ होगा? ओह गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे भूल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो, कहा था ना फोन मत करना? तुमने कहा था ना तुम शाम को आओगे, लेकिन तुम आए नहीं। ठीक है, कल आऊं। रवि, हमने इतनी रातें इतने दिन एक साथ गुजारे, ये घर अब मुझे काटने को दौड़ता। रवि प्लीज प्लीज, तुम अभी आ जाओ। हाँ भाई। तो ठीक है, तुम कल सुबह आओगे? फोन रखो। रखती हूँ ना रवि, I love you, darling. Okay. Ravi, I love you. Bye. Bye. कहीं आशा ने सुना तो नहीं? देखता हूँ। अरे माखन जी, अब यहाँ? इस लड़की ने तो मेरी नींद हराम कर दी है। जब देखो फोन फोन, कहीं आशा को मालूम पड़ गया तो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। एक बात बोलूँ रवि बाबू, इस दुनिया में दो किस्म की मक्खियां होती हैं, एक गुड़ पे बैठती है, मुंह मीठा करती है और उड़ जाती हैं, और दूसरी ऐसी होती है जो सारे शरीर का खून चूस लेती है मगर फिर भी उनका पेट नहीं भरता। ये उसी में से उठाई है, ये 100% उसी का होगा। उसका नाम मत लो यार। अरे उठा दो सही यार। हेलो सर, सप्ता जी का फोन। काली जबान, मनुष्य कहीं का। कमल है, ये नाश्ता ठंडा हो रहा है, तुम ऑफिस पहुंच गए? दूसरी शर्त यही थी ना। कौन सी शर्त?
मैं माखन जी से कह रहा था। हट, मुझसे कहाँ बोल रहा है? और मुझसे जो कहा था मैं सुबह आता हूँ। हाँ मैं लेट हो गया डार्लिंग। डार्लिंग उधर इधर नहीं है। आठ बजे आ रहा हूँ। बाय। इससे पीछे कैसे छुड़ाऊं? तुम्हारी चेन कहाँ है? चेन? चेन? सॉरी डार्लिंग। इसको हमेशा गले में लटका के रखो, बीवी याद रहेगी। हाँ। अच्छा एक बात तो डेफिनेट है। क्या? कि तुमने इस लड़की से ये कहा होगा कि तुम शादीशुदा नहीं हो, कुंवारे हो। हाँ। ताकि दूसरी लड़कियों की तरह उड़ ना जाए, हमेशा एक पंछी की तरह तुम्हारे कब्जे में रहे। चक मार ली, अब क्या करूं? झेलो। इतना फोन मत किया करो, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ रवि तुम्हें? आशा का फोन है, अब क्या करूं? ऐसा करो कि सच बोल दो, बोले बार लड़की का बार बार फोन आता है। मुझे बोला नहीं जाएगा। तो क्या मैं बोलूंगा? प्लीज माखन जी। क्या हो रहा है? मैं बहुत परेशान हूँ। लड़कियां पढ़ाते से परेशान नहीं होता क्या? प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं प्रॉम्प्टिंग करता हूँ, एक्टिंग करके बता दो, तू वैसा बोलता जा। अरे क्या, कुछ बोल दो सही। एक लड़की का बार बार फोन, 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 बार बार फोन। एक लड़की का फोन बार बार आता है। लड़की? बाल खींचने वाली लड़की का। अरे नहीं 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 नहीं, एक पागल लड़की का फोन बार बार आता है। पागल लड़की? और बोलती है क्या चक्कर चला रहा है? किस बात का चक्कर? नहीं नहीं। अबे शादी करने को बोलती है? यस, शादी करने को बोलती है। शादी? अगर उसका फोन आए तो मुंह मत लगना। नहीं, मुंह मत लगना और फोन नीचे रख देना। और सुनो, मेरी गाड़ी कहाँ पर है? गाड़ी का? गाड़ी का डिब्बे में है। डिब्बे में? नहीं नहीं, अबे गैरेज में है यार। गैरेज में है। और सुनो, मेरे तोते का क्या हुआ? हाँ, तोता उड़ गया। क्या? लेकर आ रहा हूँ। लेकर आ रहा हूँ। रवि क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आज? सॉरी डार्लिंग कि मैं बहुत परेशान हूँ, काम बहुत बाकी पड़ा है। ओके बाय। सॉरी माखन जी। क्या सॉरी, थका दिया, छह महीने की पका लूंगा इसकी मैं। प्लीज माखन जी। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई है उसकी मिसाल है। सर बैठिए। मैं बैठू? मैं चपरासी हूँ। अच्छा, काम चोर कहीं का। सर फोन। हेलो, होल्ड ऑन प्लीज। हेलो, हाँ जी, मैं पूना से बोल रहा हूँ। कैसे नहीं, नहीं, अभी भेज रहा हूँ दुर्गे जी वो। यस सर। कैसे पूना भेज देना। अरे काम चोर, काम चोर, बहुत फ्रॉड आदमी, इधर देखता घूमने लग जाता, भेजो ना यार। यस सर। अभी भेजता हूँ जी। मेरी कार? अरे ये लड़की कौन है? मेरी कार लड़की नहीं गई, गाड़ी तो गैरेज में थी, फिर ये कौन होगी? कमाल का खाना, 12 दिनों से तरस गया था मैं तुम्हारा हाथ का खाना खाने के लिए। नो रियली, क्या खाना है, वाह। रवि, आज एक लड़की अपनी कार चला रही थी। लड़की कार चला रही थी अपनी? कौन थी वो? मुझे क्या मालूम, ये गरज वाले बड़े बदमाश होते हैं। कल की खबर लेकर ही रहूंगा। अच्छा? मैं जरा हाथ धो लूं। रवि, कहीं कोई तुम्हारा नया चक्कर तो नहीं? वो क्या है ना कि ये चेन पहनने के बाद लड़कियां तो दूर चार बच्चों की अम्मा भी मुंह बोल लेती है। सो सैड। जरूर रवि होगा। हाय सपना। रवि, कहाँ थे तुम इतने दिन? सिर्फ 2 दिन तो हुए हैं। 2 दिन? तुम नहीं जानते, ये 2 दिन मैंने 2 साल की तरह रो रो के गुजारे। अरे अरे, ये क्या पागल लड़की। पागली तो कर दी है तुम्हारे प्यार ने। रवि, आज मैं तुम्हारी माँ से आशीर्वाद लेकर ही रहूंगी। देखो सपना, माँ को समझा कर रास्ते में लाने में कुछ वक्त तो लगेगा ही ना, हो सकता है कि जल्दबाजी में बात बिगड़ जाए। ठीक है, जैसे तुम कहो। हाँ, और सपना, मुझे पूना जाना है।
पूना? कुछ काम है डार्लिंग, तुम कहो तो गाड़ी ले जाऊं। गाड़ी तो तुम्हारी है, इसमें पूछना क्या? लेकिन तुम्हें जाने की इजाजत एक ही शर्त पे मिलेगी। वो क्या? वो ये कि परसों शाम तुम्हें यहाँ आना होगा मेरी बाहों में। मंजूर। आशा देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तोता। ये रही मैम साहब आपकी गाड़ी की चाबी और ये रहा आपका तोता। मिट्टू बेटे, मिट्टू बोलो, लक्की लक्की बोलो। ये लक्की कौन है? हमारा बेटा। बेटा तो लक्की की माँ। छोड़ो, ये क्या हो रहा है? कि मैं देख, मैंने तोता दिया और तुम मुझे। तुम्हें तो बस दिन रात एक ही काम सूझता है। तो तुम काम बताओ ना। सुबह से फोन करते करते मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज कुछ फोन तुम भी कर दो। शादी की सालगिरह क्या मेरे अकेले की है? शादी की सालगिरह? बात याद रखना, अच्छा काम करना, दुनिया में नाम करना, हसीनों के पीछे नहीं जाना और कभी दारू नहीं पीना। डैडी ने कहा ये बात याद रखना, अच्छा काम करना, दुनिया में नाम करना, हसीनों के पीछे नहीं जाना और कभी दारू नहीं पीना। नहीं चाहे जितने हो गम, हाँ बियर विस्की हो ब्रांडी या रम, पीना नहीं चाहे जितने हो गम, नशा जो भी हो अच्छा नहीं, पी के कभी नहीं जीना। डैडी ने कहा ये बात याद रखना, अच्छा काम करना, दुनिया में नाम करना, हसीनों के पीछे नहीं जाना और कभी दारू नहीं पीना। इनको सलाम करना, लड़कियों के चक्कर में होता है मुश्किल जीना। डैडी ने कहा ये बात याद रखना, अच्छा काम करना, दुनिया में नाम करना, हसीनों के पीछे नहीं जाना और कभी दारू नहीं पीना।
अच्छा नाम करूंगा। पढ़ लिख कर वो काम करूंगा, डैडी का ऊंचा नाम करूंगा। प्यार तुम मुझको करना नहीं, बाय बाय तुमको हसीनो। डैडी ने कहा ये बात याद रखना, अच्छा काम करना, दुनिया में नाम करना, हसीनों के पीछे नहीं जाना, के पंख लगा कर उड़ के मेरी बाहों में आ जा। सुनीता तू भागते हुए मेरे पास आ जा। रीता मैं तेरे लिए हूं सिर्फ जीता। पारो मुझे अपने प्यार की झाड़ू से मारो। डिसूजा यही सो जा। अच्छा उठो उठो, मैं कह रही हूँ। अरे 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 शर्म नहीं आवते सवेरे सवेरे। अरे नहीं माना तो फेरो हम बतावत है काम ही नहीं। हाँ डिसूजा ये लो डिसूजा। ये कौन डाला? हम डाला हम। अरे तुम सपने में क्या कर रही हो? सपने में नहीं जागने में। कौन जाग रहा है? मैं हम। कौन है हम? हम तुम हम। अरे मैं जाग रहा हूँ, मैं सपने में जाता हूँ। तुम्हारे सपने की तो ऐसी की तैसी। कान टूट जाएगा हमरा। अरे टूटने दो। अरे सब तो हमका पहले से ही था, लेकिन आज तुमका रंगे हाथ पकड़ लिए। कहाँ है रंग हमारे हाथ में? तीन तीन बच्चन के बाप हो गए हो, ऐसे कुकरम से बाज नहीं आते। शर्म नहीं आती तुमका? काहे शर्म आएगी, हम दोनों महरारू हैं, तेरी तरह साड़ी पहनते हैं। अरे हम मर्द हैं, मर्द मर्द के मर्द। अच्छा उठा कर पटकना नहीं है? काहे ना पटके। अरे अच्छा देखा है, हम चार शादी करें, चालीस करें, चार सौ करें, चार हजार करें, तुम ससुरी कौन हमको रोकने वाली? हम कौन होते अभी बतावत है। हाँ बताओ, खेल जाओ बैठे रहो। चलो झाड़ू से निकलो। तो हम तो झाड़ू उठा रही हो? इधर हमारे बाप का घर है। सारा झोपड़े के जैसा तो मकान था, न इसमें जमीन थी, न दीवार थी, न छत थी, सब हम लगाया है। तुम लगाए? और का शोकेस की तरह हम सजाया है। लोग यहाँ से गुजरते तो समझते हैं कि ताजमहल में आ गए। अरे काहे का ताजमहल? काहे का ताजमहल? पब्लिक से जाके पूछो। क्या पूछो? कि ताजमहल है कि नहीं है। अब चाटती फिर उस ताजमहल को। तुमको यही सब चाहिए था ना? सोफा चाहिए था, टेलीविजन चाहिए था, जेवर चाहिए था, मिल गया। और ये जो तेरा मियाँ है ना, वो उड़ गया। अरे कहाँ जावत हो? ये हथकड़ी जो हमने पहनाई है उसका क्या करोगे? अरे ये हथकड़ी को हम दही की कड़ी बनाए दिया। नमूना दिखाएं? ये देखो, ये रहा इसका बाप। क्या ये? इसको ऐसे देखे, ऐसे करे तो दुनिया की हर खूबसूरत औरत से फौरन कनेक्शन लगता है। अरे चलो छोड़ो, कनेक्शन लगता है। ये देखो नमूना दिखाते हैं, ये देखो। चक्का लगा ना? लगा। चक्कर आया? आया। तो खड़ी का गिरो। बहुत अच्छा। हेलो हेलो डार्लिंग। ना चले ये कम पक पीछे कम छोड़ेगी। हाँ हाय डार्लिंग। तुम पुणे से कब आए? अभी अभी आया। तो फिर तुम शाम को कितने बजे आ रहे हो? क्या है कि डार्लिंग कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल आ जाता हूँ। देखो अगर तुम अभी नहीं आए तो मैं अभी जाके माँ जी से शिकायत कर दूंगी। नहीं 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 नहीं। डर गए ना? जल्दी आना। मैं अभी आया। डैम प्यारी प्यारी मीठी मीठी लड़की है। अरे क्लर्क को क्या करूंगा यार, मेरी तकदीर में क्या क्लर्क ही लिखे हैं। दूसरे आओ। टुन टुन हट, घड़ी खराब हो जाएगी। अरे बड़ी भी ये क्या है? श्रीदेवी ये बात हुई ना? हेलो माखन जी, आप इधर श्रीदेवी के साथ कनेक्शन जोड़ रहे हैं और उधर मेरा आशा से कनेक्शन टूट रहा है। अरे क्या हुआ यार? सपना का फोन आया था। पुरानी बात है। इस बार उसने धमकी दी है। ओह ये तो नई बात है। फिर क्या? आशा को फोन लगाओ और उसे कहो कि मैं वकील साहब के साथ डिनर कर रहा हूँ। मतलब मैं झूठ बोलूं? अरे लगाओ ना। ओह मैं ये तो गड़बड़ है। अपने क्या कहते हैं उसको, अब क्या हुआ? नहीं वो आपने आदत डाल दी ना, तो मैं क्या पूरी आदत डाल दी मैंने, तो बंद हो जाएगी। बंद हो गई। जल्दी से फोन लगाओ। मैंने चला भी क्या होगा? लगाओ। हाँ लग गया ना, पैसे मिल गए तो कुछ भी। हेलो। ओह नंबर घुमाया नहीं है। हाय आइए ना। यस क्या बात है, फोन पे तो बड़ी धमकियां दे रही थी। तुमने बताया नहीं कैसी लग रही हूँ? ये सब
क्या पहन रखा है, एकदम घरेलू औरत लग रही हो। वही तो बनना चाहती हूँ। क्या मतलब? अभी तक मकानों में रहती थी, कमरों में रहती थी, तुम मिले तो घर के ख्वाबों ने अंगड़ाई ली। वो घर जो हर औरत के लिए उसका मंदिर होता है, जहाँ उसका पति होता है, जहाँ उसके बच्चे होते हैं। ओह स्टॉप इट रवि। सॉरी मैं थोड़ा परेशान हूँ। मैं भी कैसी पागल हूँ, थका हारा हुआ आदमी घर आया और मैं भी कैसी फजूल की बातें लेके बैठ गई। उसे तो गरम गरम चाय पिलानी चाहिए। मैं अभी आई। ये तो बीबी बनने का ख्वाब देख रही है। रवि बच निकल। सपना। हाँ। अरे चाय छोड़ो यार, एक एक पैग हो जाए। नहीं मैंने आज से पीना छोड़ दिया है। हो कम ऑन यार, क्या भैकी भैकी बातें कर रही हो, पीना छोड़ दिया, पति बच्चे घर। अरे जवानी तो 4 दिन की होती है प्यार करने की, ये फालतू बातें बाद में करेंगे। क्या ये सब फालतू बातें? और क्या, इसका मतलब तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। लेकिन प्यार का मतलब शादी तो नहीं। ये क्या नारा है सपना? मुझे मर जाने दो। I'm sorry सपना, ये मतलब तो नहीं था। और ये केक खाना ये सब क्या है सपना? मेरा जन्मदिन किसी ने भी नहीं मना, मैं खुद भी उसे भूल गई थी, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझ में नई उम्मीद जगाई, एक बुत में जान डाल दी, हसरतें जगा दी। सोचा था इस बार मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगी तुम्हारे साथ। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, अपने हाथों का बना खाना खिलाकर। क्या हुआ, ये क्या दिखाओ? ओह माय गॉड, ये क्या किया तुमने सपना? रवि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। हम शादी करेंगे। yes. हमारा घर होगा। okay. हमारे बच्चे होंगे। yes. सब ठीक हो जाएगा सपना। हेलो। हेलो आशा। हाँ जी बोलिए वकील साहब। जरा रवि को देना। नहीं वो तो आपके यहाँ गए हैं ना। नहीं तो, पर माखन जी ने तो यही बताया था। पता नहीं, ठीक है उससे कहना कि कल वो 8 बजे मेरे पास आ जाए। ठीक है। शादी में नहीं आए। पागल लड़की का बार बार फोन आना, मुझे कहा डिनर पर जाना है, इनकी हरकतें तो मेरी जान लेकर ही रहेगी। कहाँ थे तुम? क्यों माखन जी का फोन नहीं आया? आया था, मगर वकील साहब का भी फोन आया था, जिनके साथ तुम्हारी मीटिंग थी। बिजनेस में हजारों काम होते हैं, कहीं लोगों से मिलना पड़ता है, मगर तुम औरतों के पास सिर्फ एक ही काम है, शक करना। शक बिना कारण नहीं होते हैं। मगर आशा मैं तुम्हारी ये चेन। कहाँ है वो चेन? कहाँ गया तुम्हारा वादा कि चेन हमेशा बाहर रहेगी? आशा मैं चेन हमेशा बाहर ही रखता हूँ, लेकिन आज हाँ ऑफिस में टूट गई थी और माखन जी ने उसे बनवाने दिया। फिर झूठ? आशा सच, आशा तुम्हारी कसम। मेरी झूठी कसम मत खाओ, मैं अभी माखन जी से पूछती हूँ। आशा इतनी रात गए? क्यों क्या हुआ? हेलो माखनलाल जी है? सो गए? ठीक है माखनलाल जी से मैं खुद बात कर लूंगी, लेकिन कल तक मेरी चेन आ जानी चाहिए। ये चेन रवि क्योंकि, मगर ये फोटो माँ या नहीं 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 मिसेस के नाम से देखती हूँ। हेलो मिसेस रवि वर्मा है? हाँ है, पर आप कौन? रवि का शादीशुदा? उसे मेरा होना ही पड़ेगा, मैं उसे तबाह कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। मैं
बेटे मिस्टर रवि कॉलेज गर्ल का बाप है बाप। Yes, I know. Hello? Hello? मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन करना। सर आप एक बार ट्रायल तो देखिए। ओके। दूसरे नंबर लगाती हूँ। देख लेते हैं। एक सेकंड। हेलो रवि, सर तो मैंने कहा ना कि मैं बिजी हूँ। How dare you? रवि फोन रखने से पहले पूरी बात सुन लो, तुम अभी और इस वक्त यहाँ आ जाओ वरना मैं ऑफिस आती हूँ, और अगर मैं ऑफिस आ गई तो फिर तूफान आ जाएगा। अजय कौन इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी? सपना, सपना। ओ, तो तुम यहाँ हो? क्या हुआ डार्लिंग? इतना क्या अर्जेंट काम था? बस घर में मन नहीं लग रहा था इसलिए तुमको बुला लिया। इन्हीं फालतू बातों के लिए बुलाया था मुझे? अच्छा तो अब ये बातें फालतू हैं। वेल एनीवे, हम लोग शादी कब कर रहे हैं? शादी? हाँ तुम ही ने तो कहा था तन मन की दूरियां मिट जाने के बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। माँ से बात की? मुझे टाइम नहीं मिला और शादी करने का फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं। इसके बारे में तुम्हारा क्या इरादा? ये तुम्हारे पास? झूठे बेईमान फरेबी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरे जिस्म से ही नहीं, तुमने मेरे जज्बातों से भी खेला। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे एक अजाब बना दिया। ये चीते नहीं। ओ शरम, लोगों के सामने आधे नंगे जिस्म की नुमाइश करने वाली लड़की को सीता सावित्री की जुबान बोलने का कोई हक? मैंने तुम्हारे साथ वही किया जो तुम जैसी लड़कियों के साथ होता आया। मुझ जैसी लड़की का पेशा नाचना जरूर है लेकिन प्यार करना नहीं। प्यार तो सिर्फ मैंने तुम्हें से किया, और वो भी इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें वो देवता समझा जो एक नाचने वाली को औरत समझकर उसकी इज्जत बचाने के लिए आगे आया। इसी बात पर मैं अपना दिल दे बैठी, और अपना तन मन सब कुछ मैंने तुम्हें निछावर कर दिया। तुम मेरे हो रवि, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम और किसी के नहीं हो सकते। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। ये जानने के बाद भी कि मैं शादीशुदा हूँ? हाँ, तुम्हें अपनी बीवी को छोड़ना होगा, उसे डाइवोर्स देना होगा। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बीवी को प्यार करता हूँ और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। I'm sorry. उस आने वाले बच्चे के पाक का छिन जाने का दुख तो मुझे भी होगा, लेकिन इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी जो जी मैं करो, और तुम्हारी बकबक सुनेगा ही कौन? तुम्हारी जैसी 3600 आई और चली गई। मिस्टर रवि वर्मा, मैं उन 3600 में से नहीं हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल दूँ। जहर। क्या यार, आज एकदम रेगिस्तान छाया हुआ है, कोई पटने वाली नहीं है क्या? थोड़ी हेल्प कर यार। घूमती छतरी, ये कौन सी छतरी जिससे अपना कनेक्शन जुड़ सकता है? अबे बैटरी डाउन है क्या, बचती क्यों नहीं? हेलो, हेलो, हाय, मैं यहाँ बैठूं? बैठो। आह, क्या हुआ? नहीं ये पत्थर। तुम्हारा नाम क्या है? रोजी। हाँ? रोजी। रोजी? इसीलिए रोजी मेरे सपने में आ रही हो? What? कसम से बस, 3 रात से मेरे सपने में आ रही हो, 4 रात से मुझे नींद नहीं आई। Shut up. I swear, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारी तस्वीर बन के रह गई है। क्या बकवास कर रहे हो? ये देखो। Really? ये देखो, है ना तुम्हारी तस्वीर? ऐसा लगता है तुम्हारा मेरा पिछले जन्म का साथ है। मुझे भी ऐसा लगता है। लगता है ना? तुम मेरा पहला प्यार हो, तो पहले प्यार की तुम्हें क्या भेंट दूं? 1 आइसक्रीम। आइसक्रीम? बहुत कंजूस आपकी लड़की लगती है। अच्छा मैं पूरे आइसक्रीम की फैक्ट्री खरीद के लाता हूँ। दुकान मालूम है किधर है? मैं ढूंढ लूंगा। अच्छा। जाना नहीं है, मैं भी आता हूँ। आई गो एंड कम। अरे पीएम साहब, क्या खूबसूरत मौके मुलाकात हुई है आज, है ना? मैंने बीवी छुपकर
पहला पहला प्यार किया। अरे मैं जल्दी में हूँ। अरे क्या बात करते हो, आपने कहा था चुप कर पाप करो तो किसी को सुना दिया करो, मेरी बात सुनिए। मैं मर रहा हूँ। अरे मैं पिघल रहा हूँ, मैं सचमुच मर जाऊंगा। अरे मैं पिघल रहा हूँ। तुम पिघल रहे हो, मतलब मेरी आइसक्रीम पिघल रही है। आइसक्रीम? अरे नहीं, तलाश नहीं, मैं बुआ के लिए, मुझे अपने प्यार के लिए भेंट लेके जाना। अरे मेरी महबूबा के लिए। अरे मैंने से वादा किया, दो ना, दो ना यार प्लीज। अरे दो ना यार, कितना कंजूस आदमी तुम, अजीब आदमी, बाद में खरीद के दे दूंगा ना। जवाब रास्ते से ये भी उसको नहीं दूं क्या? जा माखन, मेरी आइसक्रीम, मेरी महबूबा को। आइसक्रीम तुम्हारी है मगर महबूबा मेरी है, मेरा पहला पहला प्यार। क्यों डाली? ये चलो यहाँ से कहीं चलो। चलो बहुत भीड़ है। ये सब क्या हो रहा है? बाय। ये लो तुम्हारी सड़ी हुई आइसक्रीम, तुम्हारे काम आएगी। बाय माखन के बच्चे, मैं तेरे को देख लूंगा। मेरी महबूबा को ले गया, मेरा चेला मेरा गुरु बन गया। आपके पास सॉक्स वगैरह है? ये वही है। हाँ। ये पैक कर दीजिए और ये भी पैक कर दीजिए, ये सब हो गया। और जल्दी करो ना आशा। हाँ बाबा, बस दो मिनट। ओह तो रवि भी साथ में है। सुनिए प्लीज, क्या आप होने वाले बच्चे के लिए कुछ बता सकती है? हाँ, कैसे? ओके बाय। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे नए होने वाले बच्चे के लिए कुछ बता सकती है? चलो क्या लेना चाहिए? कम ऑन आशा जी, देर हो रही है। मेरा पहला चांस है। मेरा भी पहला है। ये आपके, ये मेरे पति है मिस्टर रवि वर्मा। मेरा नाम सपना है। नमस्ते। हाय। ओके बाय। एक्सक्यूज मी, ये मेरा कार्ड है, शायद आपको कभी जरूरत पड़े। ओके ओके बाय बाय। मिस्टर रवि वर्मा, मैं तेरी जिंदगी में जहर घोल दूंगी। खबरदार, जो मेरी बीवी से मिलने की कोशिश की या उसे हमारे रिश्ते के बारे में कुछ बताया तो। मुझे तुम्हारी बीवी में नहीं, सिर्फ तुम में दिलचस्पी है। अपनी बीवी को छोड़कर मेरे हो जाओ। हरगिज नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल दूंगी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। पीएन जी आए आए आ, आ, आ। प्रणाम। इधर नहीं बालक, इधर। प्रणाम। बस बस, ये आपको क्या हो गया पीएम जी? अब मुझको होश आ गया बालक, वर्षों से माया मोह लोभ के पीछे दौड़ने के बाद इस औरत के आशीर्वाद से मुझे प्रेम का सत्य समझ में आ गया है। प्रेम की नई परिभाषा तो तुम बाहर पढ़ी चुके होगे। यस। इसलिए बालक, मेरी तुमसे सलाह है कि असली सुख पत्नी के साथ है, घर में है। पत्नी की सेवा करो, उसे प्यार करो, उसकी टांगे दबाओ जैसे मैं दबा रहा हूं। बिल्कुल। बाहर का मक्खन मत खाओ, उससे पेट खराब हो जाता है। यही सुखी जीवन का रहस्य है। याद रहे हाँ, नो गड़बड़ नो मक्खन। आज मैंने पहली बार महसूस किया है आशा कि तुम कितनी सुंदर हो, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री। आज ही अचानक तुम्हें क्या हो गया? आज मैंने सुखी जीवन का सत्य समझ लिया है आशा। हेलो। ए, क्या हो रहा है? Wrong number. I love you, darling. Come on. Hello. Hello. Johnny Mar. Shut up. कौन था? पागल लड़की। Come on, forget it. साहब, 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 मेन साहब,
तो बाहर होगी। क्या हुआ? साहब देखिए ना, गाड़ी नहीं है। गाड़ी कहाँ गई? लगता है चोरी हो गई। देखिए ना, दरवाजा भी खुला है। वॉचमैन कहाँ था? वो तो आज छुट्टी पर था। लगता है किसी का फोन है। इतनी रात गए? हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? आपकी गाड़ी एमएमएस 918 है? हाँ। उसका हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? आप जल्दी आइए। हाँ मैं अभी आया। रवि क्या हुआ? किसी ने हाईवे पे एक्सीडेंट कर दिया गाड़ी की। लेकिन यहाँ से गाड़ी कौन लेकर गया? लिफ्ट का मतलब मैं खूब समझती हूँ। लफंगे लफंगे। लफंगे नहीं यार, अच्छा खासा दिख रहा हूँ, लफंगा कहाँ दिख रहा हूँ? लिफ्ट प्लीज। आवाज कहाँ से? मिल गई, वो आ रखो। ये कहाँ जाना है? लिफ्ट उस तरफ बैठो। हो गया, मुबारक हो, संभाल गया। गिरना तो आवाज मत देना मुझको। जल्दी में हो क्या? नहीं तो थोड़ा लंबा चले। हाँ। कितना लंबा चले? थोड़ा कि बहुत लंबा? बहुत लंबा। अरे वाह, तुम चिपक रही तो कितना अच्छा लग रहा है। दिल करता सारी जिंदगी तुम्हारी तरफ देखता ही रहूं। देखो एक्सीडेंट हो जाए। नहीं एक्सीडेंट यार, तो कुछ नहीं लगती है। मर गया। क्या है? इधर देखो, इधर। नहीं, हम गैर औरतों की तरफ देखना पाप समझते हैं। गैर औरतों की तरफ? ये हम हैं, हम। तुम? हाँ। लुच्ची लफंगी ये कहाँ है? हम घर से जाते हैं तो ये कपड़ा पहन के सड़क पे बदमाशी करती फिरती हो। हमको लुच्ची लफंगी बोला? लुच्ची लफंगी है। और तुम क्या कर रहे हो? हम क्या करते हैं? आंख बंद करके सराफत से गाड़ी चला रहे हैं। क्या करते हैं? लड़कियों को लिफ्ट देते हो वो? नहीं, वो तो हम, वो बहन बुलाएगी, बोलेगी जरा लिफ्ट दो तो हम बुलाओ बहन बैठ जाओ। बहन? हम? अरे तुमको कौन बहन बोलता, हम उसको बोलते हैं यार। और तुम घर चलो, हम तुम्हारी टांग तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे देंगे। हम तुमका सिर तोड़ कर तुम्हारे टांग में नहीं दे देंगे तो हमारा नाम। नमस्ते मखनलाल जी। नमस्ते मखनलाल जी। ये सब हमारी ट्रेनिंग पटा लिया। अरे गई है होम मिनिस्टर, मेरी पत्नी है, क्या कर रहा है? क्षमा चाहता हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे भाई साहब जरा देखो तो, ये कैसी कैसी हरकत कर रहे हैं। हाँ, तीन तीन बच्चन के बाप होकर लड़कियों को लाइन मार रहे हैं, लिफ्ट देते हैं और इश्क का शिकार कर रहे हैं। अरे तुम ही बोलो मुझ में क्या कमी है? हम खूबसूरत नहीं, जवान नहीं? बोलो ना, जवाब दो। अरे तुम में समझदारी की कमी है, 24 घंटे हम पे शक करती रहती है। आपकी इन करतूतों पर आप पर कौन शक नहीं करेगा? हाँ। ये आप बोल रहे हैं जी? ये आपकी ट्रेनिंग के कारण हम इस रास्ते पे चल रहे हैं। नहीं 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 भाभी जी, अब मैं बदल गया हूँ। आज से मेरी शिक्षा भी बदल गई है। आज से मेरी शिक्षा है कि जिसके साथ शादी करो उसी के साथ प्रेम करो। कुछ सुना तुमने? अरे हम तो बचपने से सुनते आए हैं और उस पर अमल भी करते रहे हैं। मगर तुम्हारे लोग, रवि बाबू की संगत और तुम्हारे शक के कारण हम बिगड़ गए। वन एक जमाना था कि हम अपने आप से प्रेम करते थे। इसी बात पर महापुरुषों ने कहा है कि आदमी को बनाने में और उसे बिगाड़ने में औरत का हाथ होता है। हाँ, और हमको बिगाड़ने में तो रे दोनों हाथ है, दोनों नहीं बल्कि चारों हाथ हैं। हम बिगड़ गए तोरे कारण। अच्छा अच्छा, अब जो हो गया सो हो गया, अब हमको माफ कर दो ना। सच बोल? हाँ। तो हमको ही माफ कर देना। फिर से नहीं करोगे ना? कसम से। इसी बात पर हम तीनों का नहीं है। हम तीनों का नारा है कि जिससे शादी करो उसी के साथ प्रेम करो। अच्छा, ये नारा परमानेंट रहेगा ना? रहेगा, बदल तो नहीं जाएगा ना? सुखी रहो। हाँ। अच्छा अच्छा आदमी है वो तो मालूम नहीं, पर बात अच्छी बोल गई है। क्या? जिससे शादी करो उसी से प्रेम करो। माखनलाल जी। हाँ? ये सब घर में, यहाँ पर नहीं। हाँ? ये मेरी टोपी में सुराख है क्या? बड़ा फ्रॉड आदमी है। क्यों डार्लिंग, मजा आया ना? हाँ बहुत, वक्त का तो पता ही नहीं चला। ओ माँ, अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। रवि कहाँ है? उसकी माँ की तबीयत खराब है। रवि, मिठू कहाँ गया? अरे पिंजरा तो ठीक से बंद है, फिर कहाँ गया? क्या हुआ? आशा! ओह माय गॉड! आग से खेलेंगे तो उंगलियां तो जलेंगी। मुझे तो उसी मधुमक्खी पे शक है जो अलग होने से पहले डंक मार मार के हालत खराब करी है सबकी। शक तो मुझे भी है, चार दिन में ये दूसरी दुर्घटना है।
अरे भाई मेरे उससे पहले मुझे बड़ा दुख हुआ सुनकर के आपका तोता मर गया, आपकी गाड़ी जल गई। अब आप ही समझाइए ना माखन जी, चार दिन से इसने कुछ भी नहीं खाया है। माखन लाल जी, अभी आप लोग किसकी बातें कर रहे थे? नहीं, किस पर शक है आपको? नहीं, शक तो किसी पे नहीं है। क्यों? अभी तो आप कह रहे हैं आशा वो। तुम चुप रहो। माखन जी आप सच सच बताइए, आपको मेरी कसम। अरे आप कसम दिए तो भाई मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। देखिए क्या है कि एक लड़की है, उसका नाम है सपना। सपना? रवि कहीं वो तो नहीं जो उस दिन दुकान में मिली थी? हाँ, नहीं वो नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, उसको हम लोग देख लेंगे। हाँ, आप क्या देखेंगे, अब तो मुझे देखना है। हाँ? आखिर उसकी हमसे दुश्मनी क्या है? चलो मेरे साथ, मैं कहती हूँ चलो। हाँ? ये तो फंस गया यार, क्या करूँ उसका। ओफो। आओ आओ आइए आइए मिस्टर एंड मिसेस रवि वर्मा। अंदर आओ। सपना मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा मेरे पति के साथ क्या संबंध है। संबंध? ये सवाल मुझसे नहीं, इस चार दीवारी से पूछो, जहाँ हजारों लाखों लम्हे हमने साथ साथ गुजारे। इस सोफे से पूछो, जहाँ मुझे सीने से लगाकर इन्होंने मेरे आंसू पोंछे, और उस किचन से पूछो, जहाँ इन्होंने अपने जाने मन को अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाया। और इधर आओ, इधर आओ, इस बिस्तर से पूछो, जहाँ मेरे सुल्फे से लाते हुए इन्होंने साथ साथ जीने पड़ने की बातें करते हुए न जाने कितनी बार मेरे जिस्म की कर को बेशरम बहने, बेशरम तो ये जिसने शादी के साथ फेरों तुम्हारे होने की कसमें खाने के बावजूद तुम्हारा कभी हुआ ही नहीं। मेरा अपमान करते वक्त तुम ये कैसे भूल गई कि बीवी होने से पहले तुम एक औरत हो, और इसने हम दोनों औरतों को धोखा दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि इन्होंने मुझे बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूं, और जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देर ही सही, पर मालूम तो हो गया ना, अब क्यों किसी का घर उजाड़ना चाहती हो? इसलिए उसे उजाड़े बगैर मेरा घर नहीं बच सकता, मेरे होने वाले बच्चे को बाप का नाम नहीं मिल सकता, किसी भी हालत में इनको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। मिसेस रवि वर्मा, ये अपनी अमानत से लिख जाओ। अच्छा तुम क्या कर रही हो, गाड़ी में बैठो ना। नहीं बैठना मुझे गाड़ी में, सही जाना इनके घर, कोई नहीं है मेरा। आशा मगर मेरी बात तो सुनो। आपकी बातें सुनकर ही तो आज तक इतनी बेवकूफ बनती रही, घर में कोई बड़ा नहीं था, उसके बदले आपको अपना माना, इतनी इज्जत दी, और आप मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इन्हें सुधारने के बजाय उसकी गलत हरकतों में साथ देंगे। आशा, आशा प्लीज मेरी बात तो सुनो। चलो ड्राइवर। आशा चलो। तुम ठहरो, मैं जाके समझाता हूँ। ऑटो। तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या होगा। माखन जी। वो टैक्सी का पीछा करो। काम नहीं होगी आशा। माखन का फोन क्यों आया? हेलो। बीवी छोड़कर चली गई? तुम? तुम्हारे आंसू पोंछने आजाओ। ओह शट अप, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रवि बाबू। माखन जी। आशा चली गई। कहाँ गई आशा? वो क्या है, सिग्नल पे मेरी ऑटो रुकी, और जब सिग्नल ऑन हुआ तो जब तक टैक्सी जा चुकी थी। कमाल है माखन जी, आप उसे किसी भी हाल में ढूंढिए। कोशिश करता हूँ, मैं वादा पूरा करूंगा आपको। ओके। हेलो माखन जी, आशा मिली? नहीं, पूरा शहर छान मारा, बस स्टॉप पे देखा, एयरपोर्ट पे देखा, रेलवे स्टेशन पे देखा, कहीं पता नहीं चला। ठीक है आप घर आ जाइए। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ डैडी। हाँ आशा ही वहाँ पे? नहीं तो उसका फोन? नहीं तो बात क्या है? कुछ नहीं।
हेलो हेलो शर्मा जी, मेरा भाई। हाँ, क्या हुआ? आशा ही वहाँ पे? मैं तो हेलो। बीवी का कुछ पता चला? तुम्हें उससे क्या लेना देना? मेरे सिवा तुम्हारी बीवी और कोई नहीं बनकर रह सकती। मैं उसकी जान ले लूंगी। ओ शट अप! आशा कहाँ गई होगी? एक्सीडेंट हो गया, कहाँ है वो? माखन जी ने नहीं बताया? माखन जी, आशा कहाँ है? आशा, डॉक्टर, आशा कैसी है? बाल बाल बच गई, चोट मामूली है, दो चार दिन में ठीक हो जाएगी। आशा, भाभी जी, इनसे कह दीजिए, ये यहाँ से चले जाए। आशा मैं कैसे पूछे कह रही हूँ आशा? मिस्टर रवि आप प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर? शी इज माय वाइफ। शी इज माय पेशेंट। इनको भी नींद की गोली दी है, अब इनको रेस्ट की जरूरत है। आप प्लीज बाहर चलिए। मैं पूछता हूँ ये सब क्या है? क्या है ये सब? अपनी आंखों से देख तो लिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? आशा को यहाँ लाए क्यों? तो कहाँ लेके जाता? क्यों, क्या उसका घर नहीं है? आप उसे घर ला सकते थे। तूने आशा का जवाब नहीं सुना? अरे जो तेरा मुंह नहीं देखना चाहती थी वो तेरे घर जाती। भाभी आप तो बड़ी है, समझदार है, आप आशा को समझा सकती थी कि उसका एक पति है, घर है। ओए होए होए, पति घर? अरे पहले अपने दिल से पूछ कि पति तेरे जैसे होते हैं? चुप रहिए भाभी, ये यकीन है कि आशा को भड़काने वाले आप सब हैं। ए, क्या है? चिल्ला किस लिए आवाज नहीं चकर? ये तेरा ऑफिस नहीं, मेरा घर है, इस घर में एक मरीजा रहती है, चलवाने को चलो। मैं आशा को लिए बगैर बाहर नहीं जाऊंगा। तू कैसे नहीं जाएगा? आशा इस घर से उस वक्त जाएगी जब उसकी मर्जी होगी। आशा और आशा की मर्जी की ऐसे की तैसी। अरे चल, मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले तेरी ये मजाल। तेरे टुकड़ों पर पलने वाला, मगर मुझे बहुत देर में एहसास हुआ कि तेरे टुकड़े पाप के जहर में डूबे हुए थे। वो जहर जिसने मुझे मार दिया, मेरी आत्मा को मार दिया, मेरे जमीर को मार दिया। दूसरों के लिए अय्याशी का सामान इकट्ठा करने वाले का कोई जमीर नहीं होता। तुम भी तो वही हो ना, एक दलाल, दो कोरी के दलाल। हाँ दलाल, अगर दलाल से भी ज्यादा कोई गंदा शब्द है तो वो हूं मैं। मगर कभी अपने अपने सीने में झांक कर देखा कि ये सीधा साधा शरीफ इंसान दलाल बना कैसे? किसने बनाया इसको दलाल? इस घर की इज्जत ने, ये मेरी मेरी बीवी ने, इसको इसको दौलत चाहिए थी, इसको रेशमी साड़ी चाहिए थी, क्योंकि गरीबी की साड़ी में इसको ऐसा लगता था जिसने कांटों का ताज पहन रखा हो। इसको हराम की कमाई का टेलीविजन चाहिए था, क्योंकि गरीबी की रेडियो की आवाज सुनाई नहीं देती थी। इसको चोरी के पैसों का पलंग चाहिए था, इसको क्योंकि गरीबी के बिस्तर पे नींद नहीं आती थी। इसको क्रीम के जेवर चाहिए थे, इसको क्योंकि बिना जेवर के इसको ऐसा लगता था कि इसके मांग में सिंदूर जो है वो कलेजे के जख्म में नमक की तरह आग लगा रहा है। बाबू बोलना बहुत आसान है, सहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज के बाद बंद, सब बंद। आज के बाद मैं दलाली की लाली से अपने घर को लाल नहीं करूंगा। इसलिए उठाओ अपना सारा हराम का सामान, सब ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। एंड गेट आउट, आउट, निकल यहां से। रवि वर्मा की रंगीन कहानियां, रवि वर्मा के रोमांस स्कैंडल। रवि वर्मा, रवि वर्मा, रवि वर्मा, रवि वर्मा, मैं तुझे बर्बाद कर दूँगी, मैं तुझे बर्बाद कर दूँगी। रवि वर्मा's romance with, oh shit! हाँ, मिसेस रवि वर्मा ने अपना घर छोड़ दिया। क्या? क्या बने? नहीं, मैं अपने खानदान के बदला में नहीं होने दूँगी। Thank you.
बेटी को बदनाम करने के लिए आप लोगों तक झूठी खबरें पहुंचाई और आपने बिना सच्चाई जाने उसे छाप दिया। देखिए मैडम, कोई भी खबर बेबुनियाद तो नहीं होती है, और मैडम जहाँ आग लगी हो धुआं तो वहीं से उठता है ना। अक्सर आग लगती नहीं, लगाई जाती है, किसी को बदनाम करने के लिए, समाज की नजर में गिराने के लिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं गलत अफवाह छापने के कारण आप सभी लोगों पर मानहानि का दावा कर सकती हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पति का किसी कैबिन आंसर से कोई चक्कर है और ना ही मैंने अपना घर छोड़ा है, समझे आप लोग। लेकिन आपके पति यहाँ क्यों नहीं? उनके लिए इन फालतू बातों से ज्यादा अपना बिजनेस इम्पोर्टेंट है। और कुछ पूछना आप लोगों को? That's all. ठीक है मैडम, हम आपका जवाब अभी अंक में छाप देंगे। थैंक यू। आशा, आशा, प्रेस के सामने मेरे गुनाह पर पर्दा डालकर आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम कितनी महान हो आशा। और इस महानता तक पहुँचने के लिए पत्नी को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, सोचा है कभी? अगर पति की तरह पत्नियां भी सारी मर्यादाओं को तोड़कर वो सब कुछ करने लगे जो उनके पति करते हैं, तो क्या तुमको, क्या तुम्हारे समाज को गवारा होगा? नहीं आशा, ऐसा नहीं हो सकता। औरत तो घर और समाज की बुनियाद होती है, अगर वो भी अपनी जगह से हिल जाए तो इसका मतलब कि वो कुछ ना करे, सिर्फ सहती जाए और एक दिन टूट कर मिट्टी में मिल जाए। सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। ओके आशा, इस घर को छोड़ना मत जाओ आशा। अब मेरा तुम्हारे घर से कोई वास्ता नहीं। आशा, मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो आशा। तुम्हारा बच्चा जिसकी तुम झूठी कसमें खाते रहे, तुम्हारा मुझसे या मेरे बच्चे से कोई रिश्ता नहीं। मैं आज भी यहाँ सिर्फ इस खानदान की बहू होने के नाते आई थी, क्योंकि खानदान की इज्जत बाजार में उछाली जा रही थी, जिसे बचाना मेरा फर्ज था और वो मैंने पूरा किया। नाउ गुड बाय। आशा प्लीज मेरी बात तो सुनो आशा। आइए सपना जी, बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं आप। देख लीजिए, जो जो आप चाहती थी वो सब कुछ आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। अपना घर, अपना प्यार और अपना पति। बेस्ट ऑफ लक फॉर अ न्यू स्टार्ट। नहीं आशा जी, आप ये घर छोड़कर नहीं जाएंगी। मुझे मारने में तो नाकामयाब हो गई, अब क्या बादी बनाकर रखने का इरादा है? नहीं आशा, सपना उस किस्म की लड़की नहीं जैसी तुम समझ रही हो। माखन जी, अभी तक तो आप रवि के राग पर पर्दा डालने की कीमत लेते रहे, अब इसकी वकालत करने की कितनी फीस ली है आपने? आशा, अगर तुम्हें इतराज ना हो तो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इसकी कहानी अगर तुम सपना की जबानी सुनो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बोलो सपना, बोलो ना, तुमने कोई पाप नहीं किया है, मैं हूं तुम्हारे साथ। आशा जी, उसकी धोखेबाजी और बेरुखी से तंग आकर मैं पागल होकर उसको बेइज्जत करने उसके ऑफिस पहुंच गई। वहां मुझे रवि तो नहीं मिला, लेकिन माखन जी मिले, जिन्होंने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बाजारू और गिरी हुई औरत समझकर उन्होंने मुझे रवि को छोड़ने के लिए कीमत देनी चाहिए। ये लो दलाल का चेक। आपको कैसे यकीन है कि रवि सुधर जाएगा, किसी और का ना होकर अपनी पत्नी का होगा? आपको उसकी पत्नी से हमदर्दी क्यों है? इसलिए कि मैं भी औरत हूं और मैं जानती हूं कि औरत क्या होती है। पत्नी वो औरत होती है जो अपने माँ बाप को, बहन भाई को सब कुछ छोड़कर पवित्र अग्नि में सब कुछ जलाकर अपने पति के प्यार के धागे में बंध जाती है, और जब उसे पता चलता है कि उसका पति बेवफा है तो टूट कर बिखर जाती है, जर्रा जर्रा हो जाती है। I'm sorry. मैं तुम्हें कुछ और समझा था, लेकिन लेकिन सुख मिला ये सुनकर कि तुम रवि का घर बर्बाद होने से बचाना चाहती हो। उसके बाद मैंने सपना का साथ निभाना शुरू किया, फिर वो कार का चोरी हो जाना, तोते का मर जाना, आशा का एक झूठ मूठ का एक्सीडेंट करवाना, अखबार में इनकी बदनामी छपवाना, और यहां तक कि सपना का ये कहना कि वो इनके बच्चे की मां बनने वाली है, ये सब मेरा प्लान था। मैंने तुम्हें गलत समझा, हो सके तो मुझे माफ कर दो। गलती कहां हुई, किससे हुई,
ये सोचने से कोई फायदा नहीं, बल्कि हमें ये सब भूल जाना चाहिए। आशा, 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 सपना सच कह रही है। रवि को माफ कर दो और अपना बिखरा हुआ घर फिर से बसा लो। सपना, तुम भी रवि को माफ कर दो। आशा, मैं ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूं, लेकिन मिस्टर रवि, मेरे जाने से पहले आपको मुझसे वादा करना होगा। यस। यू प्रॉमिस कि तुम दोनों के बीच और कोई सपना नहीं आएगी? यस। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। गॉड ब्लेस, थैंक यू। बाय। क्यों गुरु, ये मैंने ये जो चक्कर चलाया, ये गड़बड़ की, ये बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं लगा तो एक आध मुझे भी लगा दो जोर से। हा? नहीं, क्या है कि हम लोग थोड़े विलायती ज्यादा हो रहे हैं। हिंदुस्तान से अंग्रेज तो चला गया, मगर हमारे दिमाग में अपनी बदमाशी और पाप के जरासीम छोड़ गया है। उनके यहां चलता है कि एक आदमी शादीशुदा होते भी, अपनी पत्नी के होते भी कहीं और जगह ताकता झांकता फिरता है, लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं चलता है दोस्त। यहां तो एक जन्म एक ही के साथ निभाना पड़ता है, पति को पत्नी के साथ और पत्नी को पति के साथ। और जो आदमी अपनी पत्नी के होते हुए कहीं और ताका झांकी करता है, उसका क्या हाल होता है वो डिजाइन सामने है। मैंने भी थोड़ी जरा कोशिश की थी तो नहीं, फौरन एक्सीडेंट से पहले ब्रेक मार दिए। आप लोग राय देता हूं, दुनिया में सबसे पंगा लेना अपनी घरवाली से कभी नहीं लेना, उसको हमेशा खुश रखना। ऊपर वाला भी खुश रहेगा और घर भी खुश रहेगा। कभी मोहब्बत और रोमांस दिल में जागे तो खुशी से बीवी को उठा लेना और गाना रोमांस रोमांस। जाने दे थोड़ा सा वो तजुर्बा और पास आने दे, झील सी आंखों में मुझको डूब जाने दे थोड़ा सा वो तजुर्बा और पास आने दे। मान ले तू बेखुदी में होता है जो होने दे, मैं हूं दीवाना तेरा ओ मेरी जाने जाना, मुझको गले से लगा। मौसम बाहरों का है, दिलकश नजारों का है, दूर ना मुझसे तो।